तो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और हंसते मुस्कुराते हुए प्यारे बच्चों आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदी में। बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है। हम चैप्टर कम कहानी बोले तो ज्यादा है। ये जो आज कहानी हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, यह एक इतना बढ़िया कहानी है, इतना लाजवाब कहानी है कि आपको इस कहानी पढ़ने के बाद अपने आप में लगेगा कि नहीं भाई, गरीबी होना सबसे बड़ा अभिशाप है, गरीबी होना सबसे बड़का श्राप है। ये आपको प्यारे बच्चों आज के इस कहानी के बाद लगेगा, क्योंकि आज जो हम आपको कहानी बताने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, यह एक ऐसे गरीब बच्चे की कहानी है, यह एक ऐसे गरीब बच्चे की कहानी है जो नेपाल से भाग करके बिहार आ जाता है, जिसका घर रहता है नेपाल के बॉर्डर पर, लेकिन बेचारा भैंस चराता है। एक दिन भैंस को बहुत ज्यादा मार देता है, जिसके कारण से इसकी मम्मी इसको बहुत ज्यादा पिटाई कर देती है और यह गुस्से से अपने घर से कुछ पैसे लेकर के भाग जाता है। और जब भाग जाता है पैसे लेकर के, तो संयोग बस लेखक के घर में आ जाता है, जो लेखक इस कहानी को लिखे हैं, समझ गए ना, उसी लेखक के घर में आ जाते हैं जो लेखक इस कहानी को लिखे हैं, यानी कि अमरकांत के घर में, क्योंकि बहादुर कहानी के लेखक कौन है? अमरकांत। तो उसी कहानी के घर, तो उसी कहानीकार के घर में आ जाते हैं। उस कहानीकार के घर में आकर के अपना पूरा काम करते हैं। छोटा सा बच्चा है, खेलता है, कूदता है, हंसता है, मुस्कुराता है, समझ गए ना, सब कुछ करता है, लेकिन घर का पूरा काम काज भी छोटे अवस्था में ही करता है। कुछ दिन तो समय बीतता गया, बहुत अच्छा चलता गया, लेकिन बाद में जाकर के लेखक महोदय की पत्नी और लेखक महोदय का बेटा इसको बहुत ज्यादा सताना शुरू कर दिया, समझ गए ना, इतना ज्यादा सताना शुरू कर दिया कि बेचारा एक दिन उब करके घर छोड़ कर कहीं भाग गया, समझ गए ना, नौकर का काम करता था, घर छोड़ कर कहीं क्या हो गया, भाग गया, घर छोड़ कर कहीं लापता हो गया, समझ गए। तो इस प्रकार से हम लोग प्यारे बच्चों कहानी पढ़ेंगे और बहुत ही तगड़ी कहानी है, बहुत ही जबरदस्त कहानी है। अगर आप लोग इस कहानी को पढ़ेंगे ना तो सचमुच में मजा आ जाएगा। और इस कदर से आप लोग इस कहानी को पढ़िए कि प्यारे बच्चों अगर इस चैप्टर से कोई सवाल पूछ दे तो एक भी छूटना नहीं चाहिए, एक भी सवाल नहीं छूटना चाहिए। इस तरीके से आपको ये पूरा कहानी पढ़ना है, ये पूरा चैप्टर आपको इसी तरीके से पढ़ना है, समझ गए ना। चलिए प्यारे बच्चों हम आगे बढ़ते हैं और इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए, ठीक है ना, इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए। और प्यारे बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं, बहादुर चैप्टर है और चैप्टर छठा है प्यारे बच्चों, और टोटल आपके किताब में ना 12 चैप्टर हैं। हम यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको चैप्टर 6 पढ़ा रहे हैं। चैप्टर 6 बहुत ही जबरदस्त कहानी है बहादुर। आज इस कहानी में हम आपको लेखक परिचय के बारे में बताएंगे और इसके अलावा पूरे कहानी के बारे में बताएंगे। एक बार जल्दी से आप लोग ना क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। जितने भी सारे बच्चे अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार जल्दी से क्या करिए, क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए फटाफट से। और जिन बच्चों ने अभी तक शेयर नहीं किया है, प्यारे बच्चों आप लोग जल्दी जल्दी से ना शेयर कर दीजिए अपने सभी ग्रुप में, ठीक है ना, अपने सभी ग्रुप में प्यारे बच्चों शेयर कर दीजिए, ठीक है, फटाफट से जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप लोग शेयर कर दीजिए। सारे बच्चे मिलकर के जल्दी से एक बार शेयर करिए। और जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया है भाई, लाइक कर दीजिएगा। और जो नए बच्चे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि अभी से लेकर के एग्जाम तक आपको हम भरपूर हेल्प कर सके, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों हम सीधे आते हैं अपने कहानी पर। और कहानी पर आए इससे पहले हम आपको बता दें कि जो बच्चे अभी तक टॉपर बैच में नहीं जुड़े हैं, तो प्यारे बच्चों आप लोग फटाफट से टॉपर बैच में जुड़ जाइए, ताकि आप लोगों को वो हर एक प्रकार के मटेरियल उपलब्ध हो पाए जो कि आपको टॉपर बनाने के लिए पर्याप्त है, समझ गए ना। और प्यारे बच्चों इस बार हमारा लक्ष्य है, आपको हम पहले ही बता देते हैं, आज ही दावा करके बताते हैं, इस बात को ना रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा, हमारा आज ही लक्ष्य है प्यारे बच्चों कि कम से कम टॉप 10 में अपने 4-5 लड़के आने चाहिए। टॉप 10 की हम बात कर रहे हैं, प्यारे बच्चों, समझ गए ना, हम बात कर रहे हैं टॉप 10 की। टॉप 10 में अपने कम से कम प्यारे बच्चों 4-5 लड़के आने चाहिए, 4-5 कम से कम हम बात कर रहे हैं, मिनिमम, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम बात कर रहे हैं।
और हाँ, अगर टॉप 100 का सवाल आ जाए, टॉप 100 का सवाल आ जाए ना, तो इसमें कम से कम प्यारे बच्चों, कम से कम हम बात करते हैं तो 20 प्लस लड़के रहेंगे टॉप 100 में, 20 प्लस, ज्यादा का तो हम बात नहीं करते हैं, ज्यादा तो भगवान की कृपा पर निर्भर है भाई, कितने ज्यादा बच्चे टॉप आ जाएंगे और कितने आप लोग मेहनत करते हैं ये तो उस बात पर निर्भर करता है। लेकिन इस बार 2024 में ध्यान रखिएगा, हम लोगों का पूरा एकदम प्यारे बच्चों मेहनत है, समझ गए ना, पूरा मेहनत है, इस तरीके का क्वालिटी कंटेंट हम आपको इस बार उपलब्ध करवा रहे हैं ना, जो टॉपर बनाने के लिए पर्याप्त है। तो इसलिए हर हाल में आप लोगों को मेहनत करना है, क्योंकि हम सिर्फ अगर बोल दें कि हम भाई टॉपर बना देंगे, हम कोई टॉपर मशीन तो नहीं है कि टॉपर बना देंगे, लेकिन हाँ मेहनत आपको करना होगा, समझ गए ना, हमारा प्रयास रहेगा, आपका मेहनत रहेगा, समझ गए। अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप मेहनत करते हैं तो सचमुच में आप टॉपर बन सकते हैं। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो फिर कोई भी आपको टॉपर नहीं बना पाएगा, समझ गए। तो एक बार सारे बच्चे एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर, हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए, जल्दी से बता दो भाई कि हाँ सर, हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं, जल्दी से एक बार सारे बच्चे कमेंट करिए तो, ठीक है ना, जल्दी से एक बार सारे बच्चे कमेंट करिए कि हाँ सर, हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं। बशर्ते प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, देख लीजिए आपको क्या करना है, आपको हम जितना भी नोट्स दे रहे हैं, नोट्स का हर एक क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा, नोट्स का हर एक क्वेश्चन हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, नोट्स का हर एक क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। अगर आपको होमवर्क वगैरह मिले तो होमवर्क उसको पूरा कर लीजिएगा, समझ गए ना। सबसे बड़ी चीज प्यारे बच्चों, आप लोग घर पर प्रैक्टिस करिएगा, समझ गए ना, सबसे बड़ी चीज आप लोग घर पर क्या करिएगा, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा, जितना भरपूर हो सके, जितना ज्यादा हो सके ना, उसको प्यारे बच्चों आप लोग प्रैक्टिस करिए, क्योंकि सबसे ज्यादा और सबसे महत्वपूर्ण योगदान अगर रहेगा तो वो प्रैक्टिस का ही रहेगा, समझ गए। सबसे ज्यादा और सबसे महत्वपूर्ण योगदान अगर रहेगा ना तो वो प्यारे बच्चों प्रैक्टिस का ही रहेगा, समझ गए ना। और जितना ज्यादा आप मेहनत करेंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा सेल्फ स्टडी करेंगे प्यारे बच्चों, हमारा उम्मीद उतना ही ज्यादा बढ़ेगा कि नहीं भाई सचमुच में इस बार कुछ होने वाला है, समझ गए ना। और हाँ, आप लोगों का रिस्पांस देख करके, जिस प्रकार से हम कल टेस्ट लिए, जिस प्रकार से हम कल टेस्ट लिए प्यारे बच्चों, और जिस प्रकार से हमने बच्चों का रिस्पॉन्स देखा, जिस प्रकार से हम कल टेस्ट लिए और जिस प्रकार से बच्चों का हमने जो रिस्पॉन्स देखा ना, सचमुच प्यारे बच्चों अद्भुत तारीफ है, सचमुच अद्भुत तारीफ है, अद्भुत भी है, तारीफ करने लायक भी है कि आप लोगों ने किस लेवल का तैयारी करके रखा है। और अगर इसी लेवल का तैयारी आगे रहा, इसी तरीके से आप लोग भी आगे तैयारी करते रहे, तो हम आपको सचमुच बता रहे हैं, कोई नहीं आपको रोक सकता है टॉपर बनने से, समझ गए ना, कोई नहीं आपको रोक सकता है टॉपर बनने से। क्योंकि प्यारे बच्चों, हमें यह सिद्ध नहीं करना होगा कि हाँ हमें उतनी काबिलियत है कि मैं आपको बना सकता हूं, ये हमें सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी प्यारे बच्चों सिद्ध हो चुका है, समझ गए ना, यहां पर क्या हो चुका है, ऑलरेडी सिद्ध हो चुका है, समझ गए ना, ऑलरेडी सिद्ध हो चुका है। आप लोगों को टॉपर नोट्स दिया जा रहा है, आप लोगों को टॉपर नोट्स दिया जा रहा है, इससे आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करने का प्रयास कर, नहीं उससे ना, सिर्फ अनुभव लेने का प्रयास करिएगा, समझ गए ना, अनुभव किस तरीके से टॉपर्स लिखते हैं। बाकी आपको प्रैक्टिस करना है टारगेट बोर्ड नोट्स से, प्रैक्टिस कहां से करना है, टारगेट बोर्ड नोट्स से ही प्रैक्टिस करना है, समझ गए। दुनिया वाले कुछ भी कहते रहेंगे, समझ गए ना प्यारे बच्चों, एक बात हम आपको बता देते हैं, दुनिया वाले कुछ भी कहते रहेंगे, आप लोग अपनी पढ़ाई की ओर कंसंट्रेट हो जाइए, समझ गए ना, दुनिया वाले आपके ध्यान भटकाने के लिए 100 तरह के बात कहेंगे, लेकिन आप एक जगह पर कंसंट्रेट होइए। दुनिया आपको 100 लक्ष्य को दिखाना चाहेगा, आप एक लक्ष्य को देखिए, तब जाकर के आपका देखिए कंसंट्रेशन पावर क्या बढ़ेगा, और तब जाकर के प्यारे बच्चों आप लोगों को जो चाहिए वो मिल जाएगा। चलिए एक बार जल्दी से बोल दीजिए भाई कि हाँ सर, हम तैयार हैं, फटाफट से एक बार फटाफट से बोल दीजिए कि हाँ सर, हम तैयार हैं। वाह, कस पावर ऑफ टारगेट बोर्ड सर, बहुत बढ़िया। चलिए प्यारे बच्चों, क्लास को आगे बढ़ाया जाए, क्लास को आगे अब बढ़ाया जाए, क्या क्लास को आगे अब बढ़ाया जाए। चलिए सबसे पहले प्यारे बच्चों, हाँ तो यहां पर जुड़ने के लिए ना दो हेल्पलाइन नंबर है, आप लोग दोनों हेल्पलाइन नंबर में से किसी पर कॉल करके आप लोग कुछ भी जानकारी ले सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बहादुर चैप्टर का, सबसे पहले हम बात करते हैं प्यारे बच्चों किसका, सबसे पहले हम बात करते हैं बहादुर का।
तो बहादुर एक कहानी है। बहादुर चैप्टर क्या है, जैसे आप लोग को हम बताते हैं ना, जैसे इसके पहले बताए थे नागरी लिपि के बारे में, तो वहां पर हम आपको बताए थे कि नागरी लिपि क्या है, वहां पर हम आपको बताए थे। देखिए जो बच्चे आलतू फालतू कमेंट करेंगे तो फिर समझ नहीं पाएंगे, जो बात स्पष्ट है, इसलिए सारे बच्चे ना कंसंट्रेट हो जाइए। एक बच्चे लिख रहे हैं कि सर 14 अगस्त को आपका बर्थडे है। अरे हाँ भाई, 14 अगस्त को बर्थडे है तो आज नहीं ना है, आज तो पहले हिंदी पढ़ लीजिए। आज पहले प्यारे बच्चों आप लोग हिंदी पढ़ लीजिए, ठीक है ना, आज आप लोग भरपूर तरीके से हिंदी पढ़ लीजिए। बहादुर प्यारे बच्चों एक कहानी है, जैसे पिछला चैप्टर हम आपको पढ़ाए थे नागरी लिपि की एक निबंध है, बताए थे ना पिछला चैप्टर क्या पढ़ाए थे, एक निबंध है। लेकिन ये वाला जो चैप्टर है प्यारे बच्चों क्या है, एक कहानी है, समझ गए। ये वाला चैप्टर क्या है, एक कहानी है। बताइए समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। आप कहें कि हाँ सर समझ में तो आ गया। तो लेखक की अगर हम बात करें प्यारे बच्चों कि इस चैप्टर के लेखक कौन है, तो ध्यान रखिएगा लेखक है अमरकांत। लेखक कौन है प्यारे बच्चों, अमरकांत। इस चैप्टर के लेखक कौन है, अमरकांत इस चैप्टर के लेखक है, समझ गए ना। अमरकांत इस चैप्टर के क्या है, लेखक है। और अमरकांत का जन्म हुआ था प्यारे बच्चों जुलाई 1925 नागरा बलिया यूपी में, समझ गए, जुलाई 1925 नागरा बलिया यूपी में। समझ में आया कि नहीं आया, कहां में जन्म हुआ था एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि अमरकांत का जन्म कब और कहां हुआ था। एक बार सारे बच्चे लिखिए, लिखिएगा तब ना जाकर के प्रैक्टिस होगा, लिखिएगा प्यारे बच्चों तब प्रैक्टिस होगा, जब तक लिखिएगा नहीं तब तक प्रैक्टिस होगा नहीं, समझ गए ना। तो इसलिए चाहे तो आप अपने सामने कॉपी अगर रखे हुए हैं तो कॉपी पर लिखिए, आप अपने कॉपी पर लिखिए, या तो प्यारे बच्चों आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, समझ गए ना, दो जगह में से कहीं एक जगह पर लिखिए। तो लिखिए जल्दी जल्दी से कि अमरकांत का जन्म हुआ था जुलाई 1925 में, कब हुआ था, जुलाई 1925 नागरा बलिया उत्तर प्रदेश में, समझ गए ना, उत्तर प्रदेश में। तो अगर प्यारे बच्चों बात कर लें प्रमुख रचना की, इनके प्रमुख रचना की हम बात कर लेते हैं, समझ गए। हालांकि आपके किताब में अगर देखेंगे तो बहुत कुछ लिखा गया है कि उन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया से की थी, गवर्नमेंट हाई स्कूल की शिक्षा जो है ना वो बलिया से प्राप्त की थी। गवर्नमेंट हाई स्कूल यानी कि जो आप हाई स्कूल में पढ़ते हैं ना, आप लोग हाई स्कूल में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, तो हाँ सर पढ़ते हैं, पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो आपको पता होगा कि हाई स्कूल, हाई स्कूल की शिक्षा इन्होंने कहां से प्राप्त की, तो हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त की बलिया से। बलिया पर एक गाना है प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे, ठीक है ना, हाँ बलिया पर एक गाना भी है, आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे। तो इन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा बलिया से प्राप्त की, और कुछ समय बाद उन्होंने गोरखपुर और इलाहाबाद में इंटरमीडिएट की पढ़ाई की, यानी कि मैट्रिक किए थे बलिया से, मैट्रिक किए थे बलिया से, जबकि प्यारे बच्चों इंटरमीडिएट किए थे गोरखपुर और इलाहाबाद से, ठीक है ना। अगर हम बात कर लें इंटर का, तो इंटर इनका कहां से हुआ था, गोरखपुर से हुआ था, कहां से, गोरखपुर से हुआ था, और कहां से हुआ था, इलाहाबाद से, इलाहाबाद से। आज इस इलाहाबाद का नाम बदल करके प्यारे बच्चों कुछ अलग रख दिया गया है, क्या रख दिया गया है क्या आपको पता है, जल्दी से बताइए। इलाहाबाद का नाम बदल करके एक अलग नाम रख दिया गया है, वो नाम क्या है, आप कहेंगे कि सर अब तो इलाहाबाद नहीं रहा, अब क्या बन गया है, प्रयागराज बन गया है, क्या क्या प्यारे बच्चों, प्रयागराज बन गया है, ठीक है ना। अच्छा प्यारे बच्चों, ये 1942 ईस्वी में जो अमरकांत जी थे ना, यह 1942 ईस्वी में इंटरमीडिएट की पढ़ाई करने के लिए कहां गए थे, गोरखपुर गए थे, और एक जगह गए, कहां पर, इलाहाबाद गए, इंटरमीडिएट की पढ़ाई करने के लिए यह गोरखपुर गए और इलाहाबाद गए, लेकिन स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल हो गए, समझ गए ना, यानी कि आजादी की लड़ाई में भी यह क्या हो गए, शामिल हो गए। अब जब लड़ाई झगड़ा में शामिल हो जाइएगा तो पढ़ाई आपका पूरा हो पाएगा, बताइए। तो ये आजादी की लड़ाई में शामिल हो गए और इनका इंटरमीडिएट अधूरा रह गया, समझ गए ना, इनका इंटरमीडिएट क्या रह गया, अधूरा रह गया, समझ गए, हाँ इनका प्यारे बच्चों इंटरमीडिएट क्या रह गया, अधूरा रह गया, समझ गए ना। एक बच्चे लिख रहे हैं कि सर आपको बहुत बड़ा थैंक यू जो आप मैथ के टीचर धर्मेंद्र सर को लाए। अरे भाई धर्मेंद्र सर गजब गणित पढ़ाते हैं, हम जब सामने कभी कभी कुर्सी पर बैठ करके और उनका गणित देखते हैं ना, तो लगता है कि इतने अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ जो वो समझाते हैं,
कॉन्सेप्ट उनका बड़ा तगड़ा वाला रहता है, समझ गए ना, कॉन्सेप्ट उनका बड़ा तगड़ा रहता है और पढ़ाने का तरीका भी बहुत गजब है। हम उनसे पूछे एक दिन कि सर ये बताइए कि आप गणित पढ़े हैं कहाँ से, तो बोले कि सर देखिए हम तीन टीचर से गणित पढ़े थे और तीनों इतने सीरियस टीचर थे ना, तीनों इतने सीरियस टीचर थे कि गणित पढ़ना मजबूरी बन जाता था, समझ गए ना, और इसलिए हम बहुत ज्यादा गणित पढ़े, बहुत भरपूर गणित पढ़े। तो अच्छी बात भी है प्यारे बच्चों, अगर गणित पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, आज आप लोग को पढ़ाने का काम आ रहा है, समझ गए। हाँ तो एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, एक बात प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान रखिएगा कि यह इंटरमीडिएट की पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए थे, गोरखपुर और इलाहाबाद गए थे, लेकिन बीच में ही इनको पढ़ाई छोड़ना पड़ गया क्योंकि यह आजादी की लड़ाई में शामिल हो गए थे। और 1942 ईस्वी में देखिए ये गए थे इंटरमीडिएट करने के लिए, कब, 1942 ईस्वी में, लेकिन आजादी की लड़ाई की वजह से, आजादी की लड़ाई में शामिल हो गए इस वजह से इनका इंटरमीडिएट 1942 में हो नहीं पाया। पुनः इनका इंटरमीडिएट कब हुआ, हुआ प्यारे बच्चों 1946 में। कब हुआ इनका इंटरमीडिएट, इनका इंटरमीडिएट हुआ 1946 में, यानी कि बाद में यह 1946 में जाकर के क्या हुए, इंटरमीडिएट की परीक्षा दे पाए, समझ गए, गए थे 1942 में करने के लिए, बेचारे लड़ाई झगड़ा में शामिल हो गए और इंटरमीडिएट हुआ फिर 1946 में, ठीक है ना। उसके बाद फिर 1947 ईस्वी में बीए में एडमिशन करवाए, फिर प्यारे बच्चों 1947 ईस्वी में यह किस चीज में, बीए में, समझ गए ना, बैचलर ऑफ आर्ट्स में, बीए कहा जाता है बैचलर ऑफ आर्ट्स को, तो वह फिर 1947 ईस्वी में बीए में एडमिशन करवाए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। कहाँ में एडमिशन करवाए थे, तो यह करवाए थे इलाहाबाद, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज अब ना हो गया है, उस समय इलाहाबाद ही होता था, समझ गए, तो इलाहाबाद प्यारे बच्चों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, समझ गए ना, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में यह क्या करवाए, यह अपना एडमिशन करवाए बीए में, समझ गए। और 1948 ईस्वी में इनको आगरा के एक संपादकीय विभाग में नौकरी लग गया, सैनिक, समझ गए, दैनिक पत्र एक पहले निकलता था, जैसे डेली अखबार निकलता है ना, डेली न्यूज पेपर निकलता है ना प्यारे बच्चों, उसी प्रकार का एक संपादकीय वाला था, पत्र वाला, जिसका नाम था सैनिक, क्या नाम था, सैनिक, तो उसमें इनका क्या लग जाता है, नौकरी लग जाता है, कब, 1948 ईस्वी में, देखिए पूरा जीवनी बता रहे हैं, 1947 में बीए किए और 1948 ईस्वी में यह सैनिक एक जैसे अभी देखते हैं ना, प्रभात खबर देखते हैं, हिंदुस्तान देखते हैं, दैनिक भास्कर देखते हैं, दैनिक जागरण देखते हैं, ढेर सारे पत्र है ना, उसी प्रकार से एक पत्र हुआ करता था सैनिक, उनमें इनका 1948 ईस्वी में क्या लग गया, नौकरी लग गया, समझ गए। अभी तक हम आपको क्या पढ़ाए, हाई स्कूल की परीक्षा बलिया से किए थे, इंटरमीडिएट करने के लिए गए थे 1942 ईस्वी में गोरखपुर और इलाहाबाद, लेकिन आजादी की लड़ाई में, स्वतंत्रता की लड़ाई में कूद गए और इनका इंटरमीडिएट पूरा नहीं हो पाया, पुनः यह 1946 ईस्वी में इंटरमीडिएट किए और उसके बाद 1947 में बीए में एडमिशन करवाए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, लेकिन 1948 ईस्वी में इनको एक छोटे से संपादकीय में नौकरी लग गया, पत्र वाला में, समझ गए ना। आगरा में ही वे प्रगतिशील लेखक संघ में शामिल हुए और वहीं से कहानी लेखन की शुरुआत की। आगरा में जब वह नौकरी कर रहे थे, आगरा में प्यारे बच्चों, आगरा में जब यह नौकरी कर रहे थे यहाँ पर, समझ गए ना, आगरा में जब यह नौकरी कर रहे थे यहाँ पर, तो वहां पर क्या हुआ, इन्होंने प्रगतिशील लेखक संघ में शामिल हुए, यानी कि एक लेखकों का संघ हुआ था जिसका नाम था प्रगतिशील लेखक संघ, प्रगतिशील लेखक संघ। ये क्या होता है कि ढेर सारे जो लेखक होते हैं ना, कवि होते हैं, एक जगह पर जुटते हैं और एक जगह पर जुट करके और सब लोग क्या करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं या फिर कभी सम्मेलन होता है, तो उसी प्रकार का एक संघ था। इस संघ में कौन गए थे बताइए, इस संघ में प्यारे बच्चों कौन गए थे, तो आपको पता होगा कि इस संघ में गए थे कौन, अमरकांत जी। और जब वो इस संघ में गए, उसी समय के बाद प्यारे बच्चों यह लेखन का कार्य शुरू कर दिए, क्या कर दिए, यानी कि कहानी कविता जो भी है लिखने का काम यह शुरू कर दिए, ठीक है ना। 17 से एग्जाम स्टार्ट है सर, अरे भाई ये जो छोटा मोटा एग्जाम होता है ना, वो तो आप लोग ऐसे भी निकाल लोगे, छोटा मोटा एग्जाम का कोई महत्व है, अब महीने महीने अगर हम एग्जाम का तैयारी करवाएंगे प्यारे बच्चों तो संभव है, बताइए।
बाद में प्यारे बच्चों वो बहुत सारा दैनिक पत्र भी निकाले, जैसे अमृत पत्रिका, इलाहाबाद, ये सब सब कुछ निकाले। तो चलिए जी, इतना तो मुख्य रूप से उनका जीवनी था जो कि हम आपको बता दिए। अब प्यारे बच्चों आप लोगों को क्या करना है, यहां पर ना इसको याद रखना है कि उनकी प्रमुख रचना कौन कौन सी है, बस इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं याद रखना है। अब समझ गए ना, उनके बारे में जितना आपको हम बताना था उतना हम बता दिए। अब प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, इतना आप लोगों को याद रखना है कि उनका एक प्रमुख रचना है जो परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जैसे प्यारे बच्चों जिंदगी और जोंक, यह परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि बताइए जिंदगी और जोंक किनकी रचना है। समझ गए ना, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि बताइए जिंदगी और जोंक किनकी रचना है। दूसरा पूछा जाता है देश के लोग, दूसरा क्या पूछा जाता है, देश के लोग। तीसरा मौत का नगर, मित्र मिलन, ये सब इनकी प्रमुख रचना है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम प्यारे बच्चों उपन्यास की बात करते हैं कि इनकी कौन कौन सी उपन्यास है, तो ध्यान रखिएगा सूखा पत्ता हो गया, काले उजले दिन हो गया, बीच की दीवार हो गया, ग्राम सेविका हो गया, ठीक है ना, ये सब प्यारे बच्चों उनके द्वारा उपन्यास लिखा गया और उन्हें कथा लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। अब बहुत सारे बच्चे को ये लगता होगा कि सर साहित्य अकादमी पुरस्कार होता कैसा है, साहित्य अकादमी पुरस्कार होता कैसा है जो कि लोगों को मिलता है। देखिए प्यारे बच्चों साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ना वो लेखन के क्षेत्र में कह सकते हैं कवियों के लिए, लेखकों के लिए, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सबसे महत्वपूर्ण प्यारे बच्चों पुरस्कार है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार अगर जिस कवि को मिल जाता है ये माना जाता है ना कि ये कवि में दम है। समझ गए ना, क्या कहा जाता है, कवि में दम है। चलिए समझ गए ना सर, सभी कोचिंग बंद हो गया है, मैं टारगेट बोर्ड से पढ़ना चाहता हूं। सर बिल्कुल पढ़ लीजिए मेरे शेर, आप लोगों के ही तो लिए तो टारगेट बोर्ड है ना, टारगेट बोर्ड किसके लिए है, आप लोगों के लिए है, आप लोगों की सेवा में निरंतर हाजिर है। समझ गए ना, आप लोगों की सेवा में क्या है, निरंतर ये हाजिर है। समझ गए, बुराई करने वाले लाख बुराई करते रहे, बुराई करने वाले लाख बुराई करते रहे, लेकिन प्यारे बच्चों अपना टारगेट बोर्ड का झंडा हमेशा ऊपर ही रहता है और आगे भी रहेगा। समझ गए ना, आप लोग चुके हैं ना हमारे साथ में, और अगर आप लोग हमारे साथ हैं तो फिर किस बात की चिंता। एक कहावत है कि प्रभु जब आप साथ हो तो किस बात की चिंता है, तो वैसे ही प्यारे बच्चों जब आप साथ हो तो फिर किस बात की चिंता। समझ गए ना, तो आराम से प्यारे बच्चों हम लोग सब मिल करके इस बार बिहार में एक बड़ा क्रांति करेंगे। समझ गए ना, हमारा भी इस बार का एक बड़ा टारगेट है कि कम से कम बिहार में इस बार इतना टॉपर देना कि एक नाम हो प्यारे बच्चों टॉपर फैक्ट्री। समझ गए, हम चाहते हैं ना कि इस बार से प्यारे बच्चों अपने टारगेट बोर्ड का नाम ना टॉपर फैक्ट्री होना चाहिए, टॉपर फैक्ट्री होना चाहिए। समझ गए ना, इस तरीके का हम मुकाम हासिल पाना चाहते हैं, इस तरीके का हम मुकाम हासिल पाना चाहते हैं। जैसे आप लोग प्यारे बच्चों कभी एक समय में नाम सुनते होंगे सिमुल तल्ला का, किसी बच्चे ने नाम सुना है सिमुल तल्ला, सिमुल तल्ला का नाम आप लोग जरूर सुने होंगे, जहां से सबसे ज्यादा टॉपर निकलता था बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में। क्या सुने हैं कभी आप लोग सिमुल तल्ला का नाम, कभी सुने हैं? दो चार पांच साल, छह साल, सात साल पहले जाइएगा ना, तो टॉपर देने वाला सबसे बड़ा संस्थान था प्यारे बच्चों कौन, सिमुल तल्ला। समझ गए, सिमुल तल्ला सबसे बड़ा संस्थान था टॉपर देने वाला। लेकिन हम चाहते हैं प्यारे बच्चों कि आने वाले समय में ये अपना जो टारगेट बोर्ड है ना टॉपर फैक्ट्री के नाम से जाना जाए, कि भाई इस फैक्ट्री में चले जाओ, इस टारगेट बोर्ड में चले जाओ और यहां से टॉपर बन करके निकलोगे। समझ गए ना, इस तरीके का हमारा कुछ सपना है और हम इस सपने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं प्यारे बच्चों, हम इस सपने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। समझ गए ना, ताकि हमारा ये सपना पूरा हो, आपका ये ख्वाहिश पूरा हो, आपके माता पिता का सपना पूरा हो, इसके लिए हम दिन रात कार्यरत हैं। समझ गए, चलिए अब प्यारे बच्चों हम बात कर लेते हैं। यहां तक तो सब कुछ हो गया ना, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार ये सब सब कुछ तो मिल ही गया, अब क्या चाहिए। तो चलिए अब प्यारे बच्चों आपकी किताब में बहुत सारे और भी लेख के नाम है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट था ना वो प्यारे बच्चों हम आपको बता दिए। अब हम बात कर लेते हैं किसका, अब प्यारे बच्चों हम बात करते हैं इस चैप्टर का, अब हम बात कर लेते हैं इस चैप्टर का। समझ गए, अगर आप ध्यान से देखेंगे
तो हमने यहां पर क्या किया है, पूरा किताब ही आपके स्क्रीन के ऊपर ला करके रख दिया है। ये प्यारे बच्चों पूरा किताब आपके स्क्रीन के ऊपर है और आप लोग देख रहे हैं कि हम पढ़ने वाले हैं बहादुर चैप्टर को। किस चैप्टर को आज पढ़ने वाले हैं तो आप कहेंगे कि सर बहादुर चैप्टर को। बिल्कुल प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं आज बहादुर चैप्टर। तो जरा ध्यान से आप लोग देखिएगा तब आपको पता चलेगा कि आखिर ये बहादुर चैप्टर में दम कितना है। समझ गए ना, बहादुर चैप्टर में दम कितना। ये प्यारे बच्चों हम लोग आज बहादुर चैप्टर पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है प्यारे बच्चों, लेकिन हम लोग बहुत ही गंभीर तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है ना, बहुत ही गंभीर तरीके से पढ़ेंगे और अंततः ये चैप्टर आपको समझ में आएगा। ध्यान से सुनिएगा, सहसा मैं काफी गंभीर हो गया था जैसा कि उस व्यक्ति को हो जाना चाहिए जिस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। वह सामने खड़ा था और आंखों को बुरी तरह मलका रहा था। उस बच्चे के बारे में बातचीत किया जा रहा है कि वह बच्चा सामने खड़ा था और बुरी तरह मलका रहा था। समझ गए ना, 12-13 वर्ष की उम्र, ठिगना चकैठ शरीर, जिसे आप लोग गांव में ना एक अगर बहुत नाटा और मोटा बच्चा रहता होगा तो उसको कहते हैं एकदम चकैठ है, बोलते हैं ना, तो वैसे ही प्यारे बच्चों यहां पर लेखक लिखते हैं कि एकदम चकैठ शरीर है। रंग कैसा है उस लड़के का, रंग गोरा है। मुंह कैसा है, मुंह चपटा है। समझ गए, मुंह क्या है प्यारे बच्चों, चपटा है। समझ गए ना, वह सफेद नेकर, आधी बाह की ही सफेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहने हुए था। उसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बंधा हुआ था, जैसे बचपन में आप लोग देखते होंगे ना कि रुमाल को ऐसे घुमा करके वैसे बांध लेते थे। समझ गए, रुमाल को ऐसे बांध कर, रुमाल को ऐसे क्या करते थे, बांध लेते थे प्यारे बच्चों, और बांध करके ना निकल जाते थे, कह रहे भाई हम ही तो बॉस हैं। समझ गए, उसी तरीके का एक रुमाल बंधा हुआ था। उसको घेर करके परिवार के अन्य लोग खड़े थे। समझ गए, उसको घेर करके परिवार के अन्य लोग खड़े थे। निर्मला चमकती दृष्टि से सभी लड़के को देखती और कभी मुझको और अपने भाई को बोलती। निर्मला यहां पर नाम है लेखक की पत्नी का, जरा गौर से देखिएगा, निर्मला यहां पर नाम है लेखक की पत्नी का। एक्चुअल में बात है प्यारे बच्चों कि निर्मला को नौकर रखने का बड़ा शौक था। समझ गए ना, निर्मला जो कि लेखक की पत्नी है उनको नौकर रखने का ना बहुत मन हो रहा था कि हमारे घर में भी एक नौकर रहता, क्योंकि उनके सभी रिश्तेदारों के घर में नौकर था। अब नौकर रखने का इच्छा किनको नहीं करता है भाई, कि हम एकदम रईस खानदान से हैं, पूरा एकदम पैसा वाला है, रईस है, तो हम नौकर चाकर रख लें, हमको काम नहीं करना पड़ेगा, पूरा काम कौन कर देगा, नौकर कर देगा। समझ गए ना, तो निर्मला चमकती दृष्टि से कभी लड़के को देखती और कभी मुझको और अपने भाई को। निश्चय ही वह पंच बराबर हो गई थी। उसको लेकर के मेरे साले साहब आए थे, जरा ध्यान से सुनिएगा, उसको लेकर मेरे साले साहब आए थे, यानी कि वो जो लड़का था ना जिसका नाम था दिल बहादुर, नाम था क्या, दिल बहादुर, लेकिन शॉर्टकट में हम लोग बहादुर जानते हैं। समझ गए, तो वो जो लड़का था दिल बहादुर, उसको लेकर के कौन आए थे, लेखक के साले साहब आए थे। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है कि बहादुर को लेखक के घर में कौन लाया था, तो जवाब क्या होगा, उनके साले साहब लाए थे। समझ गए ना, उनके साले साहब लाए थे, ठीक है। नौकर रखना कई कारणों से बहुत जरूरी हो गया था, ध्यान रखिएगा, नौकर रखना कई कारणों से क्या हो गया था, बहुत जरूरी हो गया था, ठीक है ना, नौकर रखना कई कारणों से बहुत जरूरी हो गया था। मेरे सभी भाई और रिश्तेदार अच्छे ओहदे पर थे। लेखक लिख रहे हैं कि हमारे जितने भी सारे भाई हैं और जितने भी सारे रिश्तेदार हैं सभी बहुत अच्छे ओहदे पर थे। ओहदे मतलब बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पर थे, बहुत ऊपर थे, और उन सबके यहाँ नौकर था। लेखक लिख रहे हैं कि हमारे सभी रिश्तेदारों के यहाँ क्या था, नौकर था। मैं जब बहन की शादी में घर गया तो वहां नौकरों का सुख देखा। लेखक कह रहे हैं कि मैं जब बहन की शादी में बहन के घर गया था तब वहां देखा कि आखिर नौकर का सुख क्या होता है। समझ गए ना, हमने वहां पर क्या देखा, नौकर का सुख देखा, कि किस तरीके से नौकर अगर घर में रहता है तो सुख होता है। आप लोग को मन करता है कि नहीं करता है कि हम लोग भी इतने बड़े आदमी बन जाएं कि आमने एकदम सामने एकदम नौकर चाकर लगा रहे। अगर आप डीएम बन जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाते हैं, तो आपको सरकार की तरफ से नौकर उपलब्ध करवाया जाता है। लीजिए भाई, आपके चरणों में एक दो नौकर हमेशा हाजिर रहेगा, आप एकदम राजसी जिंदगी बिताइए। समझ गए ना, डीएम का भाई रुतबा ही कुछ अलग होता है। समझ गए ना, एकदम रहने के लिए सरकारी आवास मिलता है, सरकारी आवास के बीच में एकदम एकाध बीघा का जमीन मिलता है जिसमें आराम से
क्या कर सकते हैं, टहल सकते हैं, खेती भी कर सकते हैं। उसके अलावा एक शानदार बंगला मिलता है, बंगला में नौकर चाकर सब कुछ मिलता है, साफ सफाई करने वाला, पोछा मारने वाला, खाना बनाने वाला, सब या एकदम सरकारी। तो मतलब पढ़ाई का फल ऐसा है ना, पढ़ाई का फल ऐसा है कि सब सुख दे सकता है, समझ गए। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम भी उस प्रकार का सुख भोगें तो आपको भाई पढ़ना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। क्या करना होगा, पढ़ना पड़ेगा, समझ गए ना, क्योंकि जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। और आज शाम में भी प्यारे बच्चों उसी तरीके का एक टेस्ट होने वाला है जैसा कल हुआ था, चिंता मत करिएगा, आज शाम में भी होगा, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि मैं जब बहन की शादी में घर गया था तो वहां नौकर का सुख देखा था, मेरी दोनों भाभियां रानी की तरह बैठ करके चारपाइयां तोड़ती थी। लेखक लिख रहे हैं कि जब हम अपने बहन के यहाँ गए थे तब वहां नौकर का सुख देखे थे, नौकर सब काम कर रहा है और भाभी जो थी ना वो चारपाई पर बैठ करके चारपाई तोड़ रही थी, यानी कि एकदम चारपाई पर, जिसको खटिया बोलते हैं हम लोग देहात में ना, उसको खटिया बोलते हैं, खटिया पर बैठ करके एकदम मजे ले रही थी, भाई नौकर चाकर काम कर रहा है, समझ गए ना। जबकि निर्मला को सवेरे से लेकर रात तक खटना पड़ता था, यानी कह रहे हैं कि हम अपने बहन के यहाँ गए तो वहां पर नौकर है, हम अपने भाभी के यहाँ गए तो वहां पर नौकर चाकर है, लेकिन हमारे घर में नौकर नहीं था, जिसके वजह से हमारी पत्नी निर्मला को दिन रात खटना पड़ता था, समझ गए। मैं ईर्ष्या से जल गया। इसके बाद नौकर पर वापस आया तो निर्मला दोनों जून नौकर चाकर की माला जपने लगी, यानी कह रहे हैं कि हम एक बार घर में चर्चा कर दिए कि हमारे घर में भी नौकर रहना चाहिए। लेखक कह रहे हैं कि हम एक बार अपने श्रीमती जी के सामने, एक बार हम अपने श्रीमती जी के सामने नौकर का चर्चा कर दिए कि अब हमें भी नौकर रखना चाहिए, तो क्या हुआ, वो दिन रात सुबह शाम माला जपने लगी कि नौकर कब लाइएगा, नौकर कब लाइएगा, बताइए नौकर कब लाइएगा, समझ गए ना। तो वो दिन रात नौकर चाकर की माला जपने लगी, उसकी तरह अभागिन और दुखिया स्त्री और भी कोई इस दुनिया में होगी, वो लोग दूसरे होते हैं जिनके भाग्य में नौकर का सुख होता है। कह रहा है ना कि वे लोग अलग ही होते हैं जिनके भाग्य में नौकर का सुख होता है, यानी कह रहे हैं कि अगर इस तरीके का राजसी जिंदगी बिताया जाए कि नौकर का सुख प्राप्त हो तो कितना बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा ना, बहुत बढ़िया रहेगा। अब देखिए कह रहे हैं कि पहले साले साहब से असाधारण विस्तार से उसका किस्सा सुनना पड़ा। वह एक नेपाली था, यानी कि जब नौकर चाकर की बात हो रही थी तो जो लेखक के साले साहब थे वह बोले कि हम एक लड़का देखे हैं, जुगाड़ करवा दे नौकर का, समझ गए ना। साले साहब बोले कि हम एक लड़का देखे हैं, नौकर का जुगाड़ करवा दे। तो लेखक बोले कि बताइए कौन है। तो वही वो पूरा किस्सा सुनाते हैं कि काला गोरा रंग है, चपटा मुंह है, एकदम रुमाल बांधे रहता है, इस प्रकार से किस्सा सुनाए, समझ गए ना। तो उसी प्रकार से असाधारण किस्से सुनाए कि वह एक नेपाली लड़का है जिसका गांव नेपाल और बिहार की सीमा पर पड़ता है, समझ गए ना। साले साहब उसको अपना उसको किसका नौकर का किस्सा सुना रहे हैं, यानी कि बहादुर का, कि वह क्या है, नेपाली लड़का है और बिहार और नेपाल के बॉर्डर पर उसका घर है। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था, तो बहादुर नेपाल का रहने वाला था, ठीक है ना, बहादुर नेपाल का रहने वाला था। उसका बाप जो है ना वो युद्ध में मारा गया था, युद्ध में उसका बाप मारा गया था। आपसे यह भी, यहां से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहादुर का बाप कैसे मरा था, तो युद्ध में मारा गया था, समझ गए ना, ध्यान रखिएगा। और उसकी माँ सारे परिवार का भरण पोषण करती थी, यानी कि माँ एक थी जो पूरे परिवार का क्या कर रही थी, भरण पोषण कर रही थी। अब कहेंगे कि सर इतना समझा करके हिंदी पढ़ा रहे हैं, प्यारे बच्चों अगर एक पन्ना भी कम से कम हम अगर समझा करके पढ़ा देंगे ना तो पूरा चैप्टर आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। अगर हम समझा करके नहीं पढ़ाएंगे ना तो समझ में आपको नहीं आएगा, तो इसलिए हम आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा रहे हैं, समझ गए ना। चलिए, माँ उसकी बड़ी गुस्सैल स्वभाव की थी, जो बहादुर की माँ थी वो बहुत गुस्सैल स्वभाव की थी और उसको बहुत ज्यादा मारती थी। कैसा ऐसे हो सकता है ये तो भगवान ही जाने, लेकिन एक माँ और एक बेटा में क्या प्यार होता है वो तो दुनिया जानती है, कि अपने माँ अपने बेटा के लिए कितना कर देती है। अरे भाई पिताजी जब बच्चे को मारना शुरू करते हैं तो माँ बचा लेती है, ना ना मत मारिए मत मारिए मत मारिए, लेकिन बहादुर की माँ इतनी ज्यादा गुस्सैल थी कि वो बहादुर को बहुत ज्यादा मारती थी, समझ गए ना, बहादुर को बहुत ज्यादा मारती थी। शायद हो सकता है कि दिमाग कुछ कम हो गया हो, क्योंकि उनका पति नहीं था,
पति मर गया था, तो हो सकता है कि पति मरने के गम में दिमाग कुछ डिस्टर्ब हो गया हो, हो सकता है कि दिन रात काम करती रहती थी तो मन चिड़चिड़ायल रहता होगा, बहुत तरह के कारण हो सकते हैं। समझ गए? माँ चाहती थी कि लड़का घर के काम धाम में हाथ बटाए। माँ चाहती थी कि ये जो लड़का है ये घर के काम में हाथ बटाए, जबकि वह काम में हाथ नहीं बटाता था और पहाड़ या जंगलों में निकल जाता था और पेड़ों पर चढ़ करके चिड़ियों के घोंसलों में हाथ डाल करके उनके बच्चे पकड़ता या फल तोड़ करके खाता था। मतलब लेखक कह रहे हैं कि माँ इसलिए उसको मारती थी चूंकि माँ चाहती थी कि वह हमारे घर के जो भी काम काज है ना उसमें हाथ बटाए, लेकिन वह घर के काम काज में हाथ नहीं बटाता था, पहाड़ पर निकल जाता था, जंगल में निकल जाता था और देखता था कि चिड़िया के घोंसला कहाँ है, चिड़िया के घोंसला जहां मिलता था तो चढ़ करके और उसका बच्चा को क्या कर लेता था, उतार लेता था। समझ गए ना? कभी कभी वह पशुओं को चराने के लिए भी ले जाता था। उसने एक बार उस भैंस को बहुत मारा जिसको उसकी माँ बहुत ज्यादा प्यार करती थी। सोचिए एक दिन क्या हुआ कि वह भैंस चरा रहा था, समझ गए ना, एक दिन क्या हुआ वह भैंस चरा रहा था और भैंस चराते चराते कुछ हुआ होगा ऐसा कि भैंस भड़क गया होगा, भैंस कहीं भाग रहा होगा, भैंस उसको कहीं ज्यादा परेशान कर रहा होगा, तो वह क्या किया ना कि भैंस को खूब मारा। कभी भैंस चराए हैं आप लोग? कभी आप लोग भैंस को चराए हैं कि नहीं चराए हैं, बताइए तो, कभी भैंस चराए हैं जी? कह रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा गया, कभी कभी वह पशुओं को चराने के लिए ले जाता था, भैंस चराने के लिए। आप लोग भैंस चराए हैं? अगर हमसे पूछिएगा कि सर आप चराए हैं तो हम तो हाथ उठा देंगे, हाँ भाई हम चराए हैं। समझ गए ना? हमारे घर में भैंस होता था, जब तक हम मैट्रिक में तक पढ़ते थे ना, मैट्रिक तक, दसवीं क्लास तक हम पढ़ते थे तो अपने पिताजी के कामों में, अपने दादाजी के कामों में हाथ बटाते थे और उसी समय प्यारे बच्चों गाय भैंस हम चराने के लिए ले जाते थे। समझ गए ना? तो हम खुद ये सब किए हुए हैं भाई, खेती का अनुभव हमको है, भैंस चराने का अनुभव हमको है। आप सोचते होंगे कि प्रिंस सर सिर्फ इतना बड़ा ऑनलाइन, अरे भाई हम कहां से उठे हैं जो कोई नहीं जानता है, हम कहां से उठे हैं जो कोई नहीं जानता है, कितने गरीब परिवार से हम आते हैं ये कोई नहीं जानता है। सिर्फ लोग देखता है कि अरे टारगेट बोर्ड पर 9 लाख बच्चा जुड़ा है, ये इसे है वैसे है, ये दुनिया सिर्फ सफलता देखती है, संघर्ष किसी को दिखाई नहीं पड़ता है, दुनिया सिर्फ सफलता देखती है, संघर्ष नहीं दिखाई पड़ता है। आज आप भी यहां पर पढ़ाई कर रहे हैं ना, आपके भी परिवार गरीब होंगे, पिताजी किसी तरीके से मजदूरी करते होंगे या मेहनत करते होंगे तो पैसा कमाते होंगे। आज जो दुनिया पर हंस रहा है ना, कल अगर आप किसी बड़े ओहदे पर चला जाइएगा ना, कल कोई अगर बड़ा ऑफिसर बन जाइएगा, बड़ा अफसर बन जाइएगा, तो लोग आपको भूल जाएगा कि पहले क्या थे, अब वाला याद रखता है सब। समझ गए ना? पहले वाला सब भूल जाता है कि अरे पहले ये तो पहले ऐसा था, नहीं अब वाला सब याद रखता है। लेकिन हमें पता है प्यारे बच्चों कि हम क्या थे और क्या से क्या हो गए, समझ गए ना? और ये बनाने वाले कौन हैं? आप लोग हैं। समझ गए? तो इसलिए अगर आप भी मेहनत करते हैं तो बिल्कुल ऊपर उठिएगा, समय सबका बदलता है, गरीब और अमीर दो भाई हैं, कभी गरीब कभी गरीबी आती है, कभी अमीरी आती है। समझ गए ना? जो गरीब है वो अमीर जरूर बनेगा और जो अमीर है वो कभी ना कभी गरीब जरूर बनेगा। समझ गए? तो संघर्ष के दिनों को कोई नहीं देखता है, लोग सफलता के दिनों को देखते हैं और सफलता से आंक देते हैं। समझ गए? लोग सफलता से आंक देते हैं। समझ गए ना? ये प्यारे बच्चों आपको कहने की जरूरत नहीं है कि आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक व्यक्ति का जो जिंदगी होता है ना बहुत ही ज्यादा संघर्षों से गुजरता है। समझ गए? एक व्यक्ति का जिंदगी होता है जो बहुत ही ज्यादा संघर्षों से गुजरता है और जो जितना संघर्ष करता है, जो जितना संघर्ष करता है ना वो प्यारे बच्चों उतना ही ज्यादा निखरता है। जिस पत्थर पर ज्यादा हथौड़ी की चोट पड़ती है वही पत्थर बढ़िया भगवान का रूप लेता है और उस पत्थर को ज्यादा पूजा जाता है। तो भगवान भी बनने के लिए ना छेनी और हथौड़ी का चोट खाना पड़ता है, भगवान बनने के लिए भी 14 साल जंगल में रहना पड़ता है, वनवास काटना पड़ता है, और हम तो भाई इंसान है ना, हमको तो ज्यादा दिक्कत होगा ही क्या। समझ गए ना? तो देखिए क्या कह रहे हैं, कभी कभी वह पशुओं को चराने के लिए ले जाता था और एक दिन उस भैंस को चराते समय बहुत मारा जिस भैंस को उसकी माँ बहुत ज्यादा प्यार करती थी। समझ गए ना? चलिए, और इसलिए जिससे वह बहुत चिढ़ता था, मार खाकर भैंस भागी भागी उसके माँ के पास चली गई। जब बहादुर भैंस को बहुत ज्यादा मारा तो भैंस भाग करके और उसकी माँ के पास चला गया जो कुछ दूरी पर एक खेत में काम कर रही थी।
उसकी माँ एक खेत में काम कर रही थी और भैंस भाग करके और उसकी माँ के पास चला गया, क्योंकि भैंस और गाय की सबको मारिएगा ना, तो वो अपने मालिक के पास चला जाता है। समझ गए? बेचारा बेजुबान जानवर चरना छोड़ करके वहां क्यों आएगा? उसकी माँ सोची कि अरे ये तो बेजुबान जानवर है और ये चरना छोड़ करके हमारे पास ही क्यों आ गया है, जरूर लौंडे ने इसको काफी मारा होगा। उसकी माँ सोचती है, लौंडे कहती है अपने बेटे को, समझ गया ना, कहती है कि जरूर लौंडे ने इसको काफी ज्यादा मारा होगा। वह गुस्से से पागल हो गई, मतलब जब देखी कि भैंस को मारा है तो उसकी माँ भी गुस्से से पागल हो गई, क्योंकि लौंडा आज मारा है उसको भेंट करा देते हैं, छठी का दूध याद दिला देंगे उसको, समझ गए ना। वह लड़का आया तो भैंस वह लड़का आया तो माँ ने भैंस की मार का काल्पनिक अनुमान करके, सोचिए उसकी माँ कितना ज्यादा निर्दयी थी, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक माँ ऐसी नहीं हो सकती, समझ गए ना। माँ को ममता का समुद्र कहा जाता है और वह अपने बेटे को इस कदर नहीं मार सकती है। वह अनुमान लगा ली कि भैंस को इतना ज्यादा मारा होगा और अनुमान लगा करके एक डंडे से जितना भैंस को मारा था ना उससे दुगनी पिटाई कर दी अपने बेटे की, जितना भैंस को मारा था उससे दुगनी पिटाई कर दी अपने बेटे की, समझ गए, एक डंडे से उसकी दुगनी पिटाई कर दी और उसको वहीं कराहता हुआ छोड़ करके घर लौट गई। समझिए, खेत में ही उसको मारी और खेत में ही उसको कराहते, बेचारा तड़प रहा था, मम्मी छोड़ दो मम्मी छोड़ दो मम्मी छोड़ दो, लेकिन मम्मी मारते गई और बेचारा जब कराहने लगा पूरा तब जा करके वो छोड़ दी, और छोड़ करके उसी ही खेते में बेचारा लोट पोट रहा था, कराहते छोड़ करके और वह घर चली आई, समझ गए ना। लड़के का मन मांस एकदम फट गया उस दिन जो उतना मार पड़ा उसके बाद ना लड़के का मन अपनी माँ से फट गया। उसको भी लगने लगा कि ये हमारी माँ नहीं हो सकती, उसको भी लगने लगा कि ये हमारी माँ नहीं हो सकती, एक माँ अपने बेटे को इतना मारेगी जी, है कभी आप लोग मम्मी से इतना पिटाए हैं? अरे मम्मी एक आध डंटा मार देना तो मम्मी रोने लग जाती है, मारती है हमको लेकिन खुद रोने लग जाती है, इतना प्यार होता है मम्मी और बेटे के बीच में, समझ गए ना। मम्मी मारेगी आपको लेकिन रोएगी वो खुद कि बेटा आज तुमको हम मार दिए, इतना प्यार होता है माँ का, समझ गए ना। गाना सुनते होंगे कि चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है, ये होता है माँ और बेटे की प्रेम की कहानी, समझ गए। और ये जो माँ थी ना अपने बेटे को इतना ज्यादा मारी कि लड़के का मन जो है ना वो माँ से एकदम फट गया, समझ गए, माँ से मन उसका क्या हो गया, फट गया, समझ गए। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, अब आगे कह रहा है कि माँ से जब उसका मन फट गया तब क्या हुआ भाई, तब हुआ कि वह रात भर जंगल में छिपा रहा। वह क्या किया ना कि घर नहीं गया बेचारा बहादुर, वह घर नहीं गया, रात भर जंगल में छिपा रहा और जब सवेरा होने का आया तो वह घर पहुंचा और किसी तरह अंदर चोरी छुपके घुस गया। मतलब जब देखा कि अब भोर होने वाला है, जब सुबह होने वाला है, तो घर में अंदर चला गया और अंदर जा करके उसने घी की हंडिया में हाथ डाल करके माँ के रखे रुपयों में से 2 रुपये निकाल लिए। माँ जो थी ना एक घी की हांडी में पैसा रखती थी, उसमें हाथ डाल करके ये बहादुर क्या करता है, माँ से चोरी छुपे 2 रुपया निकाल लेता है, समझ गए, 2 रुपया निकाल लिया। अंत में 2 रुपया निकाल करके 9-2-11 हो गया, 9-2-11 होना मतलब मुहावरा है प्यारे बच्चों। और अच्छा बताइए 9-2-11 मतलब क्या होता है, जल्दी से एक बार बताइए, देखते हैं कितने बच्चे को आता है। 9-2-11 होना क्या होता है, देखिए हिंदी पढ़ना और पढ़ाना जितना आसान लोग समझ लेते उतना आसान है नहीं। देखिए कितना एकदम बेहतरीन तरीके से हम आपको समझा रहे हैं, समझ गए ना, कितने बेहतरीन तरीके से हम आपको समझा रहे हैं और जहां पर जिसका अर्थ बताना चाहिए अर्थ बताते जा रहे हैं। 9-2-11 होना मतलब भाग जाना, बिल्कुल सही है, यानी कि वह 2 रुपया अपने हांडी में से निकाला और क्या हुआ वहां से भाग गया। वहां से 6 मील की दूरी पर बस स्टेशन था, ठीक है, वहां से गोरखपुर जाने वाली, कहां से गोरखपुर, गोरखपुर पड़ता है उत्तर प्रदेश में, समझ गए ना, तो वहां से गोरखपुर जाने वाली बस मिलती थी तो वहां पर हो गया। अब वहां पर क्या हुआ कि लेखक के साले साहब नेपाल के ही उसी बस स्टैंड पर पहले से थे, लेखक के साले साहब वो बच्चा को जब देखते हैं तो पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है जी, मैंने पूछा, समझ गए ना, लेखक के साले साहब बोल रहे हैं कि मैंने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है जी, तो वो कहता है कि दिल बहादुर है साहब, एकदम बेचारा छोटा बच्चा था और साहब कह के बुलाया कि दिल बहादुर है साहब, वो छोटा बच्चा बोला बड़े प्यार से कि दिल बहादुर नाम है साहब, ठीक है ना। उसके स्वर में एक मीठी झनझनाहट थी, लेखक कहते हैं कि जब वह बोला कि दिल बहादुर है साहब तो उसके
बोली में ना एक मधुर झंझनाहट थी। मुझे ठीक ठाक याद नहीं है कि मैंने उसको क्या हिदायतें दी, शायद यह कि वह बस शरारते छोड़ करके ढंग से काम करे। लेखक के साले साहब कहते हैं कि उसी समय मैंने उसको हिदायत दी कि देखो भाई शरारत छोड़ देना, बच्चा वाला हरकत मत करना और ढंग से काम करना और घर को अपना ही घर समझना। समझ गए ना, लेखक के साले साहब कह रहे हैं कि मैंने उसको सब कुछ वहीं पर हिदायत दे दी कि घर को क्या समझना, अपना घर समझना। शायद यह कि वह शरारते छोड़ करके ढंग से काम करे और घर को अपना घर समझे। इस घर में नौकर चाकर को बहुत प्यार और इज्जत से रखा जाता है। जो सब खाते पहनते हैं वही नौकर चाकर खाते पहनते हैं। अगर वह यहाँ रह गया तो ढंग सहूर सब सीख जाएगा, ठीक है ना। जैसे गांव में प्यारे बच्चों एक वर्ड चलता है सहूर, जानते हैं। जैसे अगर कोई एकार मार करके बोल दे, ठीक है ना, कोई उठपटा तरीके से बोल दे तो हम लोग बोलते हैं ना, अरे तुमको बोलने का सहूर नहीं है, हैं, बोलते हैं ना। तो यही लिखा गया है कि वह ढंग और सहूर सब सीख जाएगा जब घर में रहेगा। तो घर के और लड़कों की तरह वह पढ़ लिख भी जाएगा और उसकी जिंदगी क्या हो जाएगी, सुधर जाएगी। निर्मला ने उसी समय कुछ व्यवहारिक उपदेश दे डाले थे। उस मोहल्ले में बहुत तुच्छ लोग रहते हैं, वह न किसी के यहाँ जाए और न किसी का काम करे। यानी कि जो लेखक की पत्नी है निर्मला, परीक्षा में सवाल बार बार पूछा जाता है कि लेखक की पत्नी का क्या नाम था, तो लेखक की पत्नी का क्या नाम था, निर्मला। तो उस लड़के को निर्मला ने कहा कि देखो भाई अगल बगल में बड़े छिछोरे लोग रहते हैं और अगल बगल में तुमको जाना नहीं है और लोग जानेंगे कि नौकर है तो तुमसे काम कराना चाहेंगे, तुमको किसी दूसरे का काम करना नहीं है। तो लेखक की पत्नी ये सब बहादुर को सिखा रही थी, कहे कि अगर तुमको कोई कुछ बाजार से लाने के लिए भी कहे ना तो वो मत लाना। होता क्या है ना कि बाजार से लाने के लिए कोई कुछ कह देते हैं। जैसे हम लोग जब बचपन में प्यारे बच्चों जब पढ़ने के लिए जाया करते थे साइकिल से, ठीक है ना, सुबह सुबह साइकिल रखते थे और अपने साइकिल चलाते थे, अपने भाई को पीछे साइकिल पर बिठा लेते थे और उसी तरीके से जाते थे स्कूल में पढ़ने के लिए। समझ गए ना, हमेशा से वो वही करते थे। हम साइकिल चलाते थे, हमारा भाई पीछे बैठता था और हम दोनों स्कूल पहुंचते थे और आराम से पढ़ाई करके फिर शाम को वापस लौटते थे। समझ गए, तो उसी तरीके से ये बोले कि हाँ, तो पूरा कहानी नहीं बताए। तो जब स्कूल जाते रहते थे ना तो गांव वाला कोई आदमी देख लेता था, बेटा स्कूल जा रहे हो, हाँ हाँ स्कूल जा रहे, अच्छा तो आते समय ना जरा बाजार से ना 1 किलो चीनी ले आइएगा ना। अब बताइए अगर आप स्कूल जा रहे हैं ना तो आपको गांव वाला कोई ना कोई कह देगा कि ये चीज ले आइएगा तो वो चीज ले आइएगा। और हमारे मम्मी पापा भी मना करते थे कि ना 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 किसी का कुछ नहीं लाना है, आराम से जाओ पढ़ने के लिए और आराम से वहां से पढ़ करके आना, ठीक है। तो कोई बाजार से कुछ लाने को कहे तो वह ले आता था, ठीक है ना, कहकर अंदर खिसक जाए। उसको घर के सभी लोगों से सम्मान और तमीज से बोलना चाहिए और भी बहुत सी बातें उसको सिखाया गया। अंत में निर्मला ने बहुत ही उदारता पूर्वक लड़के के नाम से दिल शब्द को उड़ा दिया। यानी कि जो निर्मला थी वह बोली कि देखो भाई हम ना तुम्हें बहादुर बुलाया करेंगे, दिल बहादुर नहीं कहेंगे, सिर्फ बहादुर कहेंगे। समझ गए ना, तो वो जो निर्मला थी ना उसके नाम से दिल शब्द को उड़ा दी और कही कि अब सिर्फ तुम क्या रह गए, बहादुर रह गए, यानी कि अब सिर्फ तुम बहादुर रहोगे। समझ गए, परंतु बहादुर बहुत ही हसमुख और मेहनती निकला। बहादुर जो था वो बहुत ही ज्यादा हसमुख निकला और मेहनती निकला। उसकी वजह से कुछ दिनों तक हमारे घर में वैसा ही उत्साहपूर्ण वातावरण छाया रहा जैसा कि पहली बार तोता मैना या पिल्ला पालने पर होता है। कह रहे हैं कि जब पहली बार अगर घर में कुत्ता आए ना तो कुत्ते को बड़ा प्यार मिलता है। पहली बार अगर तोता मैना को अगर घर में पालते हैं ना तो बड़ा उसको प्यार से खिलाया पिलाया रहा सहा जाता है। उसी तरीके का प्यार किसको मिला, बहादुर को मिला उस घर में। सवेरे सवेरे ही मोहल्ले के छोटे लड़के घर के अंदर आकर के खड़े हो जाते और उसको देख करके हंसते या तरह तरह के प्रश्न करते थे। यानी कि उस गाँव के अगल बगल के जो लड़के थे उसने जब देखा, उस गाँव के अगल बगल के जो लड़के है ना ये जब देखा कि भाई एक नया लड़का आया है, छोटा बच्चा है, तो जानते हैं ना छोटा बच्चा छोटे बच्चे को खोजता है कि कोई खेलने वाला दोस्त मिल जाए। समझ गए ना, तो उसी तरीके का जब देखा कि एक लड़का आया है ना तो सवेरे सवेरे ही उसके पास सब पहुंच जाए और जो बहादुर जो कुछ भी काम करता था ना उसको बस देखते रहे। समझ गए ना, और लोग कहे कि भाई विदेश से आया है। समझ गए ना, बच्चा सबको लगे कि भारत का नहीं है, ये नेपाल का है, विदेश से आया है। तो सबको लगता था ना कि विदेश से आया है ना तो उधर सब अलग अलग होता होगा। तो कोई कोई बच्चा पूछता था, जानते हैं क्या पूछता था कि ये तुम लोग छिपकली को क्या कहते हो। समझ गए ना, कोई बच्चा आता था कहता था कि ये सुनो ना तुम लोग छिपकली को क्या कहते हो। समझ गए, तो किसी बच्चे ने कहा कि ये तुमने शेर देखा है।
समझ गए ना, ऐसी बातें कुछ बच्चे आकर के उसके साथ में करते थे, समझ गए। उसने पहाड़ी गाने की फरमाइश की जाती, यानी कि कुछ बच्चे आते और कहते कि सुनो ना बहादुर, जरा पहाड़ी गाना सुनाओ ना, तुम पहाड़ पर रहा है ना, तो जरा पहाड़ी गाना सुनाओ ना, इस प्रकार का कुछ फरमाइश किया जाता था। ठीक है, घर के लोग भी उससे इसी प्रकार की छिड़खानियां करते थे। वह जितना उत्तर देता था उससे अधिक ज्यादा हंसता था, यानी कि बहादुर सिर्फ बोलने से ज्यादा ना हंसता था। ठीक है ना, सब लोगों की एक्टिविटी को देख करके वह क्या करता था, हंसता था। सबको उसके खाने और नाश्ते की बड़ी फिक्र रहती थी, यानी कि घर के लोगों को तो खाया कि नहीं खाया यह फिक्र रहता ही था, गांव घर का जो छोटकन छोटकन लड़का था ना, उस सबको भी फिक्र रहता था कि बहादुर खाया कि नहीं खाया, तो लोग हमेशा हालचाल पूछते रहते थे, समझ गए। निर्मला आंगन में खड़ी होकर के पड़ोसन को सुनाते हुए कहती थी, बहादुर आकर नाश्ता क्यों नहीं कर लेते, यानी कि निर्मला जो है ना, अब देखिए एक औरत का एक स्वाभाविक नेचर होता है कि अपने पड़ोसी को जलाना, औरत का सबका नेचर होता है, समझ गए ना, हमारा भी ऐसा ही नेचर है, जो हमको देख करके जल रहा है ना उसको हम और ज्यादा जलाएं, समझ गए ना, जो हमको देख करके जल रहा है उसको और ज्यादा जलाएं, क्योंकि एक कहावत है कि पड़ोसी की जलन ही हमारी शान है, या फिर दुश्मन की जलन ही हमारी शान है। अगर लोग आपको देख करके जल रहे हैं तो यह इस बात का प्रतीक है कि आप तरक्की कर रहे हैं, समझ गए ना। अगर आपको भी भविष्य में कोई देख करके जले, अगर आपके बारे में भी कोई उल्टा सीधा बोले, तो आप ये संकेत मान लीजिएगा कि हम तरक्की कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आप तरक्की नहीं करिएगा आपका बुराई कोई नहीं करेगा, जब तक आप तरक्की नहीं करिएगा सब आपका तारीफ ही करेगा, लेकिन जिस दिन से आप तरक्की करना शुरू कर दीजिएगा उस दिन से आपका बुराई शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरे हो गए, इसका सीधा मतलब ये है कि आप तरक्की कर रहे हैं, समझ गए ना। तो ये प्यारे बच्चों अंदाज लगा लीजिएगा, ठीक है। तो निर्मला भी थी ना जो अपने पड़ोसी को जलाने के लिए जोर से बोलती थी, ए बहादुर आकर के खाना खा लो, ताकि पड़ोसी सुने तो उसको लगे ना, अरे भाई नौकर को तो बड़ी मानता है, ये नौकर को तो बहुत मानता है, समझ गए ना। तो पड़ोसी को सुना करके कहती थी कि बहादुर आकर के नाश्ता क्यों नहीं कर लेते, मैं दूसरी औरतों की तरह नहीं हूं जो नौकर चाकर को जलाती भूनती हूं। तो सोचिए जोर जोर से बोल रही है कि हम दूसरी औरत की तरह नहीं है कि नौकर चाकर को अलग मानते हैं, अरे तुम हमारे घर का बेटा हो, इस प्रकार से करके ना वह अपने पड़ोसन को क्या करती थी, जलाती थी। मैं तो नौकर चाकर को अपने बच्चे की तरह रखती हूँ, कौन बोल रही है, लेखक की पत्नी निर्मला बोल रही है। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि 100-150 महीनवारी उस पर भले ही खर्च हो जाए पर तकलीफ उसको जरा भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि निर्मला ये भी कह दी कि भले तुम पर 100-150 रुपया हमको खर्च हो जाए महीने में, लेकिन तुमको हम तकलीफ होने नहीं देंगे, समझ गए ना, तुमको हम तकलीफ होने नहीं देंगे। एक नेकर कमीज को उसी रोज लाए थे और भी कपड़े बन रहे थे, यानी कि कह रहे हैं कि एक कमीज लाया था जो बहादुर के लिए ना, और भी बहुत सारे कपड़े बन रहे थे, ठीक है। समझ गए ना, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। धीरे धीरे वह घर के सारे काम करने लगा, यानी कि जो बहादुर था ना वो धीरे 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 करके पूरा घर का कामकाज संभाल लिया, पूरा घर का काम करने लगा। सवेरे ही उठ करके वह बाहर नीम के पेड़ से दातुन तोड़ करके लाता था, वह हाथ का सहारा लिए बिना कुछ दूर तक तने हुए दौड़ते हुए चढ़ जाता, मिनट भर में वह पेड़ की पुलई पर नजर आता। निर्मला छाती पीट करके कहती थी, अरे रिछ बंदर की जात, कहीं गिर गया तो बड़ा बुरा होगा, समझ गए। यानी कि निर्मला जब वह पेड़ पर चढ़ता था तो समझ गए ना जब वह पेड़ पर चढ़ता था तो प्यारे बच्चों क्या होता था, वह बोलती थी, अरे बंदर की जात तुम नीचे उतर जाओ, नहीं तो गिर जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, कहीं गिर गया तो बहुत बुरा होगा। वह घर की सफाई करता, कमरों में पोछा भी लगा देता था, मतलब बहादुर जो था ना वो सब तरीके का काम क्या करता था, कर देता था, समझ गए, सब तरीके का काम वह कर देता था। आगे देखिए, अंगीठी भी जलाता, चाय बनाता और सबको चाय बना करके भी पिलाता था, मतलब धीरे 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 कर करके वह घर का पूरा काम काज करने लग गया, समझ गए ना। वह धीरे धीरे करके घर का पूरा काम काज क्या करने लग गया, ठीक है। दोपहर में कपड़े धोता और बर्तन भी मलता, वह रसोई बनाने की भी जिद करता कि लाइए ना मम्मी, हम ही खाना बना देते हैं,
समझ गए ना। वह क्या बोलता कि लाइए ना हम ही खाना भी बना देते हैं। बेचारा बहुत काम करता था, पर निर्मला स्वयं सब्जी और रोटी बनाती थी। निर्मला को उसकी बहुत फिक्र रहती थी, उसकी उन दिनों तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए वह कुछ दवा ले रही थी। बहादुर उसको कोई काम करते देखकर कहता था, माता जी मेहनत ना करो, तकलीफ बढ़ जाएगा। सोचिए, एक बेटे की तरह वह निर्मला को भी मान रहा था और एक माँ की तरह बेटा भी निर्मला को मान रहा था। निर्मला का जब तबीयत खराब हुआ, लेखक की पत्नी का जब तबीयत खराब हुआ, तो बहादुर बोलता था कि माता जी आप कोई काम मत करिए, आपका तबीयत और बिगड़ जाएगा। हम है ना काम करने के लिए, हम काम कर देंगे, आप क्या करिए, आराम करिए, ठीक है ना। वह कोई भी काम होता, समय होने पर हाथ धोकर के भालू की तरह दौड़ता हुआ कमरे में जाता और दवाई का डिब्बा निर्मला के सामने ला करके रख देता था। यानी कि वह दौड़ता हुआ कमरे में जाता था, चाहे कितना भी काम क्यों ना हो, सब काम छोड़ करके पहले दवाई ला करके निर्मला को देता था कि माता जी लीजिए खाइए, समझ गए ना। जब मैं शाम को दफ्तर से आता तो वह घर के सभी लोग मेरे पास आकर के दिन भर के अपने अनुभव सुनाते थे। बाद में वह भी आता था, वह एक बार मेरी ओर देख करके सिर झुका लेता और धीरे धीरे मुस्कुराने लगता। वह कोई बहुत ही मामूली घटना की रिपोर्ट देता। लेखक कह रहे हैं कि जब हम शाम को अपने ऑफिस से घर लौटते थे तो सब लोग बोलते थे कि आज दिन भर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वह भी आता था और हमारे पास आकर के चुपचाप खड़ा हो जाता था और हमको देख करके ना धीरे से मुस्कुराता था और उसका मुस्कुराना ही बहुत कुछ कह जाता था। समझ गए ना, उसका मुस्कुराना ही बहुत कुछ कह जाता था, समझ गए, ये लेखक कह रहे हैं, ठीक है। वह कोई मामूली घटना का रिपोर्ट दे देता था, बाबूजी बहन जी का एक सहेली आया था, या बाबूजी भैया सिनेमा गया था। वह बड़ा प्यार से बोलता था कि बाबूजी बहन जी का एक सहेली आया था घर में, सबका बात बताता था कि भैया सिनेमा देखने के लिए गया था। उसके बाद वह इस तरह हंसने लगता था जैसे बहुत ही मजेदार बात कह दी, समझ गए ना, यानी कि इतना कह करके, और वह बहुत ज्यादा हंसता था जैसे लग रहा हो कि कितना ज्यादा मजेदार बात वह बोल दिया हो, समझ गए। उसकी हंसी भी जो थी ना वो बहुत कोमल थी और मीठी थी, जैसे फूल सी पंखुड़ियों बिखर गई हो। वो इतना मीठा हंसता था, इतना मुस्कान उसका बढ़िया था कि जैसे लगता था कि फूल की पंखुड़ियां क्या हो गई हो, बिखर गई हो, मतलब उसका हंसी भी बहुत बढ़िया था। मैं उससे बातचीत करना चाहता था, पर ऐसी इच्छा रहते हुए भी मैं जानबूझ करके बहुत गंभीर हो जाता था और दूसरी ओर देखने लगता था। निर्मला कभी कभी उससे पूछती थी, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद नहीं आती, मतलब निर्मला जो है ना कभी कभी पूछती थी कि बहादुर तुमको अपनी माँ की याद कभी नहीं आती है। निर्मला जो लेखक की पत्नी है वह पूछती थी बहादुर से कि बहादुर तुमको कभी अपने माँ की याद नहीं आती है, समझ गए ना। तो वह बोलता था कि नहीं, क्यों, तो वह मारता क्यों था, इतना कहकर के वह खूब हंसता था जैसे मार खाना खुशी की बात हो। मतलब जब पूछती थी कि कि तुमको माँ की याद नहीं आती है, तो वो जानते हैं किस तरीके से रिएक्शन देता था, नहीं नहीं आता था, नहीं आता है, हमारी माँ का याद नहीं आता है। मतलब वह ऐसे बोल करके ना बहुत ज्यादा हंसता था, इसे लगता हो ना कि मार खाना कोई बहुत खुशी की बात हो। मतलब उसको थोड़ा सा भी गम नहीं था कि हम अपने माँ से दूर आ गए हैं। वो इतना ज्यादा तंग आ चुका था अपनी माँ से, एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ से इतना ज्यादा तंग आ चुका था, समझ गए ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे है कि तब तुम अपना पैसा माँ के पास कैसे भेजने को कहते हो। यानी कि देखिए कितना प्यारा ये बच्चा है कि कमाता है, माँ के बारे में बात नहीं करता है, माँ को अब याद नहीं करता है, लेकिन पैसा कहता है कि माँ को भेज दीजिएगा। जो उसका पगार है, जो उसका मंथली है, वो कहता है कि माँ को भेज दीजिएगा, समझ गए ना। तो प्यारे बच्चों, तब क्या निर्मला कहती है कि जब तुमको माँ का याद नहीं आता है तब अपना पैसा माँ के पास भेजने के लिए काहे कहते हो, समझ गए ना। माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर रह जाता है, वह और भी हंसता था, समझ गए ना। कितना प्यारा बच्चा था और समझदार भी बच्चा था। वह क्या बोलता था कि माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर रह जाता है, समझ गए ना। निर्मला ने उसको एक फटी पुरानी दर्री दे दी थी, दर्री समझते हैं ना, नीचे बिछा करके जो सोने वाला होता है, समझ गए ना। हाँ, घर से वह एक चादर भी लेकर के आया था। रात को काम धाम करने के बाद वह भीतर के बरामदे में एक टूटी हुई बसघट पर अपना बिस्तर बिछाता था। वह बिस्तरे पर बैठ जाता और अपनी जेब में से कपड़े की एक गोल सी नेपाली टोपी निकाल करके पहन लेता। ये बेचारा इतना बढ़िया था ना कि दिन भर तो खूब काम काज करता था और रात में एकदम अच्छा से गोड़ हाथ धो करके, रात में
अच्छा से एकदम पैर हाथ को प्यारे बच्चों साफ कर लेता था, और पैर हाथ साफ करके एक बसगढ़ था बांस का बनाया हुआ, एक खाट जैसा था, वहां पर जाकर के बैठ जाता था, दर्री बिछा लेता था, और तब अपने झोले में से एक नेपाली टोपी निकालता था, नेपाली टोपी को पहन लेता था रात के समय में सोते समय, समझ गए ना, नेपाली टोपी पहन लेता था जो बाई ओर काफी ज्यादा झुकी रहती थी। फिर वह एक छोटा सा आईना निकाल करके बंदर की तरह उसमें अपना मुंह देखता था, वह बहुत ही ज्यादा प्रसन्न नजर आता था। यानी कि रात को जब पूरा काम हो जाता था उसका खत्म, उसके बाद जाकर के आराम से बिस्तर पर बैठ करके नेपाली टोपी पहन लेता था और एक छोटा सा आईना रखता था, और उस आईना में अपना चेहरा देख करके और बहुत ज्यादा मुस्कुराता था, बहुत ज्यादा खुश होता था। मतलब ये कहे कि वह बच्चा अपने ही दुनिया में बहुत ज्यादा खुश था, वह बच्चा अपने ही दुनिया में बहुत ही ज्यादा क्या था, खुश था प्यारे बच्चों, समझ गए ना। हाँ, इसके बाद कुछ और भी चीजें उसकी जेब से निकल करके उसके बिस्तर पर सज जाती थी, कुछ गोलियां, पुरानी ताश की एक गड्डी, एक खूबसूरत पत्थर के टुकड़े, ब्लेड, कागज की नाव, ये सब ना वो बचपन में क्या करता था कि वह डेली बिस्तर पर निकालता था और उससे खेलता था। दिन भर तो बेचारा काम करता था, खेलने का समय मिलता नहीं था, तो जब रात को सोने के लिए जाता था ना, तो कुछ देर तक अपने बिस्तर पर ही अपने पैकेट से कुछ ताश का पत्ती निकाल लेता था, एक पत्थर रखता था, उसके अलावा एक ब्लेड रखता था, कागज का नाव बनाता था, और कागज का नाव बना करके वो खेलता था, इस प्रकार का वो हरकत करता था, समझ गए ना। वह कुछ देर तक उनसे खेलता था, उसके बाद वह धीमे धीमे स्वर में गुनगुनाने लगता था। उन पहाड़ी गानों का अर्थ हम समझ नहीं पाते थे, पर उसकी मीठी उदासी सारे घर में फैल जाती थी, जैसे कोई पहाड़ की निर्जनता में अपने किसी बिछड़े हुए साथी को बुला रहा हो। लेखक कह रहे हैं कि जब वह दिन भर का काम करके बिस्तर पर जाता था तो थोड़ा बहुत अपने सामान से खेलता था, और एक नेपाली गाना जो पहाड़ी गाना होता है ना, वो गुनगुनाता था, और इस तरीके से गाना गुनगुनाता था कि जैसे लगता है कि वह किसी बिछड़े हुए साथी को बुला रहा हो, समझ गए ना, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि दिन मजे में बीतने लगे, लेखक कह रहा है कि धीरे 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 करके दिन क्या हुआ, मजे में बीतने लगे, बरसात आ गई, पानी रुकता था और बरसात था। मैं अपने क्या कह रहे हैं, देखिएगा जरा ध्यान से, एकदम जबरदस्त कहानी है मेरे भाई। कह रहे हैं कि मैं उसको बहुत ऊंचा महसूस कर, मैं अपने आप को बहुत ऊंचा महसूस करने लगा था कि चलो भाई अब हम भी क्या है, अब हम भी नौकर वाले हो गए हैं, समझ गए ना। अपने आप को हम बहुत ज्यादा ऊंचा महसूस करने लगे थे, अपने परिवार और संबंधियों के बड़प्पन तथा शानवाज पर मुझे सदा गर्व रहा है। अब मैं मोहल्ले के लोगों को पहले से भी तुच्छ समझने लगा, मैं किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता, किसी की ओर ठीक से देखता भी नहीं था, दूसरे के बच्चे को मामूली सी शरारत पर डांट डपट देता था। यानी कि लेखक अब अपना गलती यहां पर एक्सेप्ट करते हैं और कहते हैं कि जब हमारे घर में नौकर आ गया, जब हमारे घर में नौकर आ गया तब जाकर के हम खुश हुए। लेकिन हम यहां पर कहेंगे कि कुछ बच्चे का भी गलती है, माँ उसकी काम करने के लिए बोलती थी तो वो काम नहीं करता था, क्योंकि माँ के सामने ना हर एक बच्चा शरारत करता है, माँ के सामने ना हर एक बच्चा नटखट करता क्या रहता है, काम नहीं करना चाहता है, माँ कुछ काम बोलती है तो वो इधर उधर कर देता है। लेकिन जब किसी के कंधों पर जिम्मेदारी आ जाए, जब किसी के कंधों पर जिम्मेदारी आ जाए, तब पता चलता है कि क्या होता है। अभी आप लोग प्यारे बच्चों, अभी आप लोग 150 रुपया 10-20 रुपया का वैल्यू नहीं समझिएगा, लेकिन वहीं जब खुद से कमाइएगा ना, तब आपको उस दिन एहसास होगा कि पिताजी 10-20 रुपये के लिए कितना मेहनत करते होंगे, समझ गए ना। पिताजी 10-20 रुपए के लिए कितना मेहनत करते होंगे, कितने मेहनत से ये पैसा आता है, आपको उस दिन पता चलेगा जब आप कमाना शुरू कर दीजिए, समझ गए ना। पिताजी कभी कभी अगर आपके गुस्साते भी होंगे तो कहते भी होंगे कि बेटा तुमको अभी नहीं पता चल रहा है ना कि पैसा कैसे कमाया जाता है, 2-4 साल के बाद पता चलेगा कि क्या कीमत होता है पैसा का, समझ गए ना। तो वही प्यारे बच्चों वो कह रहे हैं ना कि धीरे धीरे हमारा आदत बिगड़ता गया, हम मामूली सी शरारत पर बहादुर को डांट डपट देते थे, कई बार पड़ोसियों को सुना चुका था जिसके पास कलेजा है वही आजकल नौकर रख सकता है। यानी कि बोल रहे कि हमारे अंदर भी कुछ घमंड आ गया था, लेखक खुद अपना गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारे अंदर भी कुछ घमंड आ गया था, हम कई बार पड़ोसियों तक को सुना दिए थे कि जिसके पास कलेजा है ना वही नौकर रख सकता है, सब लोग नौकर नहीं रख सकता है। वह एक घर के समांग की तरह होता है, समांग मतलब जानते हैं, समांग देखिए लिखा गया है कि घर के समांग की तरह रहता है। प्यारे बच्चों आप लोग बिहार में रहते हैं तो एक बात जानते होंगे, अगर कोई चार, अगर घर में चार मर्द है तो लोग कहता है ना, कह रहे हम भी चार समांग हैं, किसी को अड़े देंगे, किसी को नहीं अड़ेने देंगे, कहता है ना कि हम भी चार समांग से हैं। तो
तो वहीं समांग की बात हो रही है, ये घर के समांग की तरह रहता था। निर्मला भी सारे मोहल्ले में शुभ सूचना दे आई थी, आधी तनख्वाह तो नौकर पर ही खर्च हो रही है। यानी कि निर्मला भी खूब अपना तारीफ कर रही थी भाई, औरत को तो आदत होता है ना झूठा बड़ाई करना, समझ गए ना। वह भी खूब अपना तारीफ कर रही थी, अरे जितना कमाते हैं उसका आधा तो नौकरे पर खर्च हो जाता है, नौकर को हम बहुत मान रहे हैं, अपना बेटा की तरह मान रहे हैं। मतलब निर्मला भी खूब ज्यादा तारीफ करती थी, समझ गए ना। वो तो कई बार भी कह चुकी थे, वह तो कई बार कह ही चुके थे कि तुम्हारे लिए दुनिया के किसी कोने से नौकर जरूर लाऊंगा, और वही हुआ। यानी कि अपने हस्बैंड का तारीफ कर रही है कौन, निर्मला, कि वो तो कहीं दिए थे ना कि तुम्हारे लिए दुनिया का कोई कोना से नौकर लाए, लेकिन नौकर लाएंगे, और देखिए हमारे लिए नौकर लाए भी, समझ गए ना। निसंदेह बहादुर की वजह से सबको खूब आराम मिल रहा था। अब यहां पर लेखक लिखते हैं कि निसंदेह यह बात बिल्कुल सही है कि बहादुर की वजह से सबको बहुत ही ज्यादा आराम मिल रहा था। हर खूब साफ और चिकना रहता था, कपड़े चमचमाते हुए सफेद रहते थे, निर्मला की तबीयत भी काफी सुधर गई थी। यानी कह रहे हैं कि बहादुर इतना ज्यादा काम कर लेता था कि सबका कपड़ा भी साफ कर देता था, घर में पोछा भी कर देता था, खाना भी बना देता था। निर्मला का जो तबीयत खराब था वह भी धीरे 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 आराम करके सुधरने लगा। अब कोई एक खर भी न ट सकता था, किसी को मामूली से मामूली काम करना होता तो वह बहादुर को आवाज लगा देता। अगर किसी को एक गिलास पानी भी पीना है ना, बहादुर पानी लेकर के आओ। किसी को अगर किताब मंगाना, बहादुर किताब लेके आओ। मतलब एक काम घर के लोग नहीं करते थे, एक काम नहीं, सब बहादुर ही करेगा, सब बहादुर ही करेगा, समझ गए ना। तुरंत बहादुर को आवाज लगा देते थे, बहादुर एक गिलास पानी लाना, बहादुर पेंसिल नीचे गिर गई है। एक बच्चा का अगर पेंसिल भी नीचे गिर जाए ना, चौकी से नीचे गिर जाए, बहादुर पेंसिल जरा दे दो, चौकी नीचे नीचे गिर गया है। मतलब हर एक मामूली काम के लिए बहादुर को याद किया जाता था, ठीक है ना। उसी तरह की फरमाइश से बहादुर घर में फिरकी की तरह नाचता रहता था। सभी रात में पहले ही सो जाते थे और सवेरे 8 बजे के पहले न उठते थे। कह रहे हैं कि बहादुर इतना ज्यादा काम करता था कि वह घिरनी की तरह नाचते रहता था घर में एकदम से, समझ गए ना। मेरा बड़ा लड़का किशोर, लेखक कह रहे हैं कि मेरा बड़ा लड़का किशोर काफी शान शौकत और रौब दौब के रहने का कायल हो गया था, और उसने बहादुर को अपने कड़े अनुशासन में रखने की आवश्यकता महसूस कर ली थी। यानी कि जो उनका बड़ा लड़का था ना, वो सोच लिया था कि हम बहादुर को बड़ा अनुशासन में रखेंगे, समझ गए। फलतः उसने अपने सभी काम बहादुर को सौंप दिए। लेखक का जो बड़ा लड़का था, बड़ा बेटा था, वह अपना पूरा काम बहादुर को सौंप दिया कि हमारा एक एक काम तू ही करेगा, समझ गए ना। सवेरे उसके जूते में पॉलिश लगनी चाहिए, बोल दिया कि देखो सवेरे उठेंगे ना, हमारे जूता में पॉलिश लगा करके रखना, नहीं तो तुमको मारेंगे। सोचिए बहादुर पर धीरे धीरे अब ना लोग ज्यादा ही थोड़ा सा अत्याचार करने लग गए थे, कि उनका जो बड़ा बेटा था वो बोल दिया कि सवेरे उसके जूते में पॉलिश लग जानी चाहिए, कॉलेज जाने से ठीक पहले साइकिल की सफाई हो जानी चाहिए, रोज ही उसके कपड़ों की धुलाई और इस्त्री होनी चाहिए, और रात में सोते समय वह नित बहादुर से अपने शरीर की मालिश भी करवाता था। दिन भर तो बेचारा काम करता था ही, दिन भर तो उसे एकदम घिरनी की तरह काम करवाता था ही, और जब रात के लेखक का बड़ा बेटा सोने के लिए जाता था ना, तो कहता था बहादुर आकर के शरीर जरा दबा दो, शरीर दर्द दे रहा है। मतलब रात में शरीर भी मालिश करवाता था, समझ गए ना, शरीर में मालिश भी करवाता था, समझ गए ना। पर इतनी सारी फरमाइशों की पूर्ति में कभी कभी कोई गड़बड़ी भी हो जाती, जब ऐसा होता तो किशोर गर्जन तर्जन करने लगता। सोचिए एक छोटा सा बच्चा उतना सब काम कर रहा है, कभी कभी तो गलती हो जाएगा ना। अगर गलती हो जाता था ना, तो पूरा लेखक का बड़ा बेटा एकदम गर्जन तर्जन करने लगता था, पूरा उसको गलिया देता था, उसको बुरी बुरी गालियां देता और उस पर हाथ भी छोड़ देता था। मतलब मारता भी था, कह रहे तुमसे ये काम नहीं होता है, और एक दो थप दे देता था, समझ गए ना। इस प्रकार से मार खा करके बहादुर एक कोने में खड़ा हो जाता था चुपचाप। जब बहादुर मार खाता था तो वह चुपचाप एक कोने में जाकर के खड़ा हो जाता था, समझ गए। देख वे किशोर चेतावनी देता, कौन ये किशोर कौन है, किशोर कौन है, लेखक का बड़ा बेटा है। किस तरीके से बोलता था जरा देखिए। लेखक ऐसा नहीं है कि अपने बड़े बेटे के बारे में नहीं लिखे हैं, लेखक यहां पर अपने बड़े बेटे को भी नहीं छोड़े हैं। कहे हैं कि हमारा बेटा गलत था तो गलत था। कैसे उनका बड़ा बेटा बोलता था कि देख बे किशोर चेतावनी, मतलब किशोर जो है ना वो चेतावनी देता था बहादुर को कि देख बे मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए, समझ गए, जैसे रफली बर्ड होता है ना, कि देख बे मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए, अगर एक काम भी छूटा तो मारते मारते हुलिया टाइट कर देंगे, ऐसा इस प्रकार का चेतावनी देता था।
चोर बहादुर को, समझ गए ना, साला काम चोर, करता क्या है तू, बैठा बैठा खाता है खाली, इस प्रकार का चेतावनी देता था बहादुर को। सोचिए जो लड़का इतना ज्यादा काम कर रहा हो उसको इस प्रकार का बट बोलेगा तो कितना दुख होगा। बहादुर को बहुत ज्यादा दुख होता था अगर इस प्रकार का बात कोई बोलता था तो। रोज कोई ना कोई ऐसी बातें होने लगी जिसकी रिपोर्ट पत्नी मुझे देती थी। मैंने किशोर को मना किया पर वह नहीं माना, तो मैंने यह सोच करके छोड़ दिया कि थोड़ा बहुत तो यह चलता ही रहता है, फिर एक हाथ से ताली कहां बजती है, बहादुर भी बदमाशी करता होगा। यानी कि जब शाम, लेखक कह रहे हैं कि जब हम शाम को अपने ऑफिस से घर आते थे तो हमारी पत्नी बोलती थी कि देखिए भाई आज ऐसा ऐसा हुआ, किशोर जो है वो बहादुर को मार दिया, डांट दिया। हम भी सोचते थे कि बहादुर कुछ ना कुछ गलती किया होगा, एक हाथ से ताली थोड़े ना बजता है, बहादुर कुछ ना कुछ गलती किया होगा। पर एक दिन जब मैं दफ्तर से आया तो मैंने किशोर को एक डंडे से बहादुर की पिटाई करते हुए देखा। कह रहे हैं कि एक दिन हमें का एक जब ऑफिस से आ गए तो देखे कि किशोर जो है ना वो डंडे से बहादुर की पिटाई कर रहा है, समझ गए। निर्मला कुछ दूरी पर खड़ी होकर के हा हा करती हुई मना कर रही थी। मतलब लेखक का जो बेटा है ना वो एक दिन किशोर को मार रहा था और निर्मला बचा नहीं रही थी, सिर्फ हा 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 हा, जैसे होता है ना कि एक मार रहा है तो बस खाली हाँ हाँ कर रहा है बस संवेदना के लिए, बस उस प्रकार से निर्मला कर रही थी। मैंने किशोर को डांट करके अलग किया, कारण यह था कि शाम को साइकिल की सफाई करना बहादुर भूल गया था। सोचिए सिर्फ इसलिए बहादुर को डंडे से मारा क्योंकि बहादुर बेचारा भूल गया था साइकिल को साफ करना, साइकिल को साफ करना भूल गया था इसलिए बहादुर को डंडे से मारा। किशोर ने उसको मारा तथा गालियां दी तो उसने उसका काम करने, क्या लिखा गया है, उसने उसका काम करने से इनकार कर दिया। यानी कि किशोर अब इतना ज्यादा सताने लग गया था बहादुर को, बहादुर कह दिया कि हम किशोर का काम नहीं करेंगे, साफ साफ शब्दों में कह दिया कि हम किशोर का काम अब नहीं करेंगे, जिसको जो करना है कर ले, समझ गए ना, तो वो साफ साफ मना कर दिया, समझ गए, समझ में आया। चलिए बहुत बढ़िया, अब देखिएगा जरा, समझ गए ना, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए वो साफ साफ क्या कर दिया, इनकार कर दिया, तुम साइकिल साफ क्यों नहीं करते, मैंने उनसे कड़ाई से पूछा। लेखक भी कह रहे हैं कि हमने भी बहादुर को डांट दिया कि तुम साइकिल क्यों नहीं साफ करते हो, समझ गए ना, बाबूजी भैया ने मेरे बाप को क्यों ला करके खड़ा किया, वह रोते हुए बोला। मतलब गांव में एक बर्ड चलता है, अगर कोई काम नहीं करिए ना तो लोग डांट के कहता है अरे तुम्हारा बाप करेगा, कहे नहीं किया तुम ही काम, लोग डांट करके बोलता है ना कि तुम्हारा बाप ही काम करेगा, कहे नहीं तुम काम किया, ये तो ये वाला बात बोल दिया था बहादुर को। और चूंकि बहादुर का बाप नहीं था, वो युद्ध में मारा गया था, बेचारा अनाथ हो गया था बहादुर, और उसको इस प्रकार का बात बोला कि साइकिल तुम्हारा बाप साफ करेगा, तो बहादुर को बड़ा दिल पर लगा ये बात, समझ गए ना। और उसी समय बहादुर कह दिया कि हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे, और वही कहा जब लेखक पूछते हैं कि तुमने उसका साइकिल क्यों नहीं साफ किया, तब बहादुर कहता है कि बाबूजी भैया ने मेरे बाप को क्यों ला करके खड़ा किया, वह बेचारा रोते हुए बोला। मैं जानता था कि किशोर उसको और भी ज्यादा फद्दी गालियां देता था, लेकिन आज उसने सुअर का बच्चा कह दिया था, समझिए, वो कहा कि हम अपने बाप का बच्चा है, हमको इस सुअर का बच्चा कैसे बोल दिया। बहादुर इतना एकदम स्वाभिमान लड़का था, कहा कि हम तुम्हारे घर में नौकर का काम कर रहे हैं तो तुम्हारा गाली बर्दाश्त करेंगे, तुम हमको सुअर का बच्चा कह देगा, सुअर का बच्चा कहने का मतलब तुम्हारे बाप को गाली दिया है, और तुम बाप का गाली कैसे दे सकता है। सोचिए बहादुर इतना स्वाभिमान लड़का था कि इस प्रकार से अड़ गया एकदम, समझ गए ना, जो उसे बर्दाश्त ना हुआ, निसंदेह वह गाली उसके बाप पर पड़ती थी। मुझे बहुत हंसी आ गई। खैर किशोर के व्यवहार को अच्छा नहीं कहा जा सकता था, पर गृह स्वामी होने के कारण मुझ पर कुछ और भी गंभीर दायित्व भी थे, समझ गए ना। अब कह रहे हैं कि मैंने उसे समझाया, किसको, बहादुर को, बहादुर ये आदतें ठीक नहीं है, तुम ठीक से काम करोगे तो तुमको कोई कुछ नहीं कहेगा, मेहनत बहुत अच्छी चीज है, जो उनसे बचने की कोशिश करता है वह कुछ भी नहीं कर सकता है, रूठना फूलना मुझे सख्त नापसंद है, तुम तो घर के लड़के की तरह हो ना, घर के लड़के मार नहीं खाते, हम तुमको जिस सुख आराम से रखते हैं वह कोई क्या रखेगा, जाकर दूसरे घरों में देखो तो पता लगे, नौकर चाकर भर पेट भोजन के लिए तरसते रहते हैं, चलो सब खत्म हुआ अब काम करो।
यानी कि लेखक जो है ना वो बहादुर को समझा रहे थे कि बहादुर ज्यादा ये सब नहीं करते बेटा, जे अगल बगल में जाकर के देखो नौकर चाकर को ना लोग भूखले रखते हैं, खाना भी नहीं देते हैं, और हम तो तुमको इतना ज्यादा बढ़िया से खिलाते पिलाते हैं, खाना देते हैं, फिर भी तुम ऐसा क्यों करते हो, चुपचाप तुम अपना काम करो। ये लेखक जो है ना वो समझा रहे थे किसको, बहादुर को समझा रहे थे। ठीक है, वो जो बहादुर था चुपचाप सुनता रहा, फिर हाथ मुंह धो करके काम करने लगा। जल्दी वह प्रसन्न भी हो गया। रात में सोते समय वह अपनी टोपी पहन करके देर तक वैसे ही गुनगुनाता रहा जैसे रात को वह गुनगुनाता था। लेकिन कुछ दिन बाद एक और भी गड़बड़ी शुरू हुई। निर्मला बहुत पतली पतली रोटियां सेकती थी। निर्मला जब रोटी बनाती थी ना तो बहुत पतली पतली रोटियां सेकती थी, समझ गए, इसलिए वह रोटी बनाने का काम कभी भी बहादुर से नहीं लेती थी। लेकिन मोहल्ले की किसी औरत ने उसे यह सिखा दिया कि परिवार के लिए रोटियां बनाने के बाद वह बहादुर से कहे कि वह अपनी रोटी खुद बना लिया करे। अब जानते हैं ना कि गांव की औरतें ना घर को फोड़ने में एक्टर होती है, समझ गए, कुछ कुछ औरतें, सभी औरतें नहीं, जो अपने दुख से ज्यादा दूसरे के सुख को देख करके परेशान होती है। अब गांव की कुछ औरतें थी, वो निर्मला के पास आई, लेखक की पत्नी के पास आई और बोले कि आप रोटी बना के देते हैं नौकर को, नौकर को आप रोटी बना करके देते हैं पतला पतला, है ना, ऐसा मत करिएगा, ऐसा मत करिएगा, नौकर को बोलिए अपना रोटी खुद बनाए, आप बना करके, अरे मालकिन ना है आप, अब उसकी मालकिन है ना, मालकिन बना करके देगी नौकर को रोटी, आप ऐसा मत करिए, उसको बोलिए कि खुद रोटी बनाए, मतलब वह आकर के बहका दी, समझ गए ना। नौकर जो जो गांव की औरत थी ना वह लेखक की पत्नी को आकर के सिखा दी, ठीक है ना, बोली कि आप बना करके दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आप बना करके दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, नौकर चाकर की आदतें खराब हो जाएंगी ना, मैं महीन खाने से उसकी आदत बिगड़ जाती है। सोचिए क्या बोला कि नौकर चाकर जब महीन महीन रोटी खाए लगेगा तो उसका आदत बिगड़ जाएगा, इसलिए आप मत दीजिए, समझ गए ना। यह बात निर्मला को जच गई थी। निर्मला को भी लगा कि भाई बात तो एकदम सही कह रही है, तो निर्मला को भी यह बात जच गई थी और रात में उसने ऐसा ही प्रयोग किया। वह अपनी रोटियां बना करके चौके से उठ गई, बहादुर का मुंह उतर गया, वह चूल्हे के पास सिर झुका करके बेचारा चुपचाप खड़ा हो गया। उस रात को क्या हुआ कि निर्मला अपना रोटी खुद बनाई और खुद बना करके बोली कि बहादुर अपना रोटी खुद बना लो, हम तुम्हारा नहीं बनाएंगे। बेचारा बहादुर का मुंह उतर गया, सिर झुका करके चुपचाप वहीं पर खड़ा हो गया। सोचिए गरीब होना कितना दुर्भाग्य की बात है। जब हम ये चैप्टर को पढ़ रहे हैं ना तो समझिए कि हमारा दिल इमोशनल हो जाता है बहुत ज्यादा, और शायद आप लोग भी इमोशन हो गए होंगे क्योंकि उस कदर का पढ़ा करके ना हम फील आपको दिलवा रहे हैं, समझ गए ना। ध्यान से देखिएगा, कभी आप लोग इतना फील के साथ इस चैप्टर को नहीं पढ़े होंगे, अगर पढ़े भी होंगे तो इतना फील नहीं किए होंगे, समझ गए ना। देखिए जब बहादुर चुपचाप खड़ा हो गया तो निर्मला ने पूछा कि क्या हो गया रे, तो वह कुछ नहीं बोला, चल चुपचाप बना अपनी रोटियां, तू सोचता है कि मैं तुझे पतली पतली नरम नरम रोटियां सेक करके खिलाऊंगी, तू कोई घर का लड़का है, नौकर चाकर तो अपना बना करके खाते ही रहते हैं, हैं? तीता तो इनको इसलिए लग रहा है कि सारे घर के लिए मैंने रोटियां बनाई, इनको अलग करके इनके साथ भेद क्यों किया, बाहरे इसके पेट में तो लंबी डाढ़ी है, समझ जा रोटियां नहीं सेकेगा तो भूखा रहेगा। मतलब रोटी नहीं बनाई और ऊपर से डांट भी दी, क्या बोल दी कि रोटी नहीं बनाएगा तो भूखा तू रहेगा, तुमको हम रोटियां सेक करके देंगे, नौकर चाकर खुद से रोटी बनाता है कि उसको, तुमको हम रोटी बना करके देंगे। मतलब निर्मला एकदम बदल गई थी अब, समझ गए ना। पर बहादुर उसी तरह खड़ा रहा तो निर्मला का गुस्से से बुरा हाल हो गया, उसने लपक करके उसके माथे पर दो तीन थप्पड़ जड़ दिए। बहादुर को बेचारा रोटी बनाने नहीं आता था, कभी बनाया नहीं था, चुपचाप खड़ा था, अब रोटी नहीं बना रहा था, तो निर्मला गई और माथे पर दो तीन लपड़ लगा दी, समझ गए ना कि रोटी काहे नहीं बना रहा है, सुअर कहीं के, फिर से वो सुअर बोल दी। सोचिए फिर से क्या बोल दी, सुअर बोल दी, इसलिए तुझे किशोर मारता है, मतलब अपने बेटे के बारे में बोली, इसलिए ना तुझे किशोर मारता है, तुम काम नहीं करता है। तो इस प्रकार की बातें अब निर्मला भी बोलना शुरू कर दी थी, समझ गए। चलिए इसी वजह से क्या कर दिए, अब देखिए क्या बोल दी, इसी वजह से तेरी माँ भी मारती होगी, चल बनाओ रोटी। अब ये बोल दी कि इसी वजह से तुम्हारी माँ भी तुमको मारती होगी, काम नहीं करता है, चलो बनाओ रोटी अपना, समझ गए ना। ये सब बोलने लग गए, मैं नहीं बनाऊंगा, मेरी माँ भी सारे घर की रोटियां बना करके मुझसे रोटी सिकवाती थी, वह रोने लगा था। वह बेचारा लड़का बहादुर विवश होकर के रोने लगा कि हमसे रोटी नहीं बन पाएगा, मैं रोटी नहीं बनाऊंगा, ठीक है ना। वह लड़का विवश होकर के रोने लग गया, ठीक है ना। तो क्या मैं तेरी माँ हूं कि तू मुझसे जिद कर रहा है, वो मालकिन बोली, कौन, लेखक की पत्नी,
निर्मला कि हम तुम्हारी माँ नहीं है कि तुम हमसे जिद कर रहा है, हम तुम्हारी माँ नहीं है, घर के लड़कों के बराबर बन रहा है, मारते मारते मुंह रंग दूंगी तुम्हारा। क्या बोली पता है? निर्मला बोली कि घर के लड़कों जैसा तू समझता है अपने आप को कि तू भी घर का लड़का है, मार के मुंह रंग देंगे नहीं तो रोटी बनाओ। मतलब सोचिए कि बहादुर एक छोटे से बच्चे पर कितना ज्यादा अब अत्याचार हो रहा था, ये सोचने की बात है। पर उसने अपने लिए रोटी नहीं बनाई। लड़का भी एकदम स्वाभिमानी था, जिद्दी बहादुर था, सचमुच में उसका दिल बड़ा बहादुर था जी। कहता था कि जो कह दिए वो करेंगे, समझ गए ना, कहा कि रोटी नहीं बनाएंगे तो नहीं बनाएंगे चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए, समझ गए। वह रोटी नहीं बनाया, मुझे भी बड़ा गुस्सा आया, मैंने उसको डांटा और समझाया पर वह नहीं माना, रात भर वह भूखा ही रह गया। इतना स्वाभिमानी लड़का, समझ गए ना, इतना स्वाभिमानी लड़का कि रात भर भूखा रह गया लेकिन रोटी नहीं बनाया। कहा कि नहीं बनाएंगे रोटी, रोटी हम नहीं बनाएंगे। पर सवेरे उठ करके वह पहले की तरह ही हंसने लगा। उसने अंगीठी जला करके अपने लिए रोटियां सेकी, अपनी बनाई मोटी और भद्दी रोटियों को देख करके वह खिलखिलाने लगा। बेचारा रात भर से भूखा क्या करे, भूखा क्या करे, भूखा आदमी तो मिट्टी को भी नोच करके खाता है, और वो तो बेचारा बच्चा था, भूखा था। वह सवेरे उठा, हंसते मुस्कुराते हुए उठा, और हंसते मुस्कुराते हुए उठ करके बेचारा मोटी मोटी किसी भी तरीके से भद्दी रोटियां बनाई और रोटी को देख करके वह खुश हो गया। समझ गया ना, चाहे रोटी जैसा भी हो लेकिन रोटी को देख करके ना वह बड़ा खुश हो गया, ठीक है। फिर रात की बची हुई सब्जी से उसने खाना खा लिया, रात का ही बासी सब्जी बचा हुआ था, उसी बासी सब्जी के साथ वह उसी भद्दी रोटी को, मोटी मोटी रोटी को खा लिया, समझ गए ना। लेकिन निर्मला का भी हाथ खुल गया था, मतलब समझ रहे हैं, निर्मला का भी हाथ खुल गया था, मतलब पहले तो सिर्फ किशोर ही मारता था बहादुर को, अब निर्मला भी बहादुर को मारना शुरू कर दी थी, समझ गए ना, निर्मला भी बहादुर को मारना स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। लेकिन निर्मला का भी हाथ खुल गया था, वह उससे बहुत कुछ चिढ़ गई थी। अब बहादुर से कोई भी गलती होती तो वह उस पर हाथ चला देती। उसको मारने वाले अब घर में दो व्यक्ति हो गए थे और कभी कभी एक गलती के लिए उसको दोनों मार देते थे, मतलब गलती एक करे और उसके लिए दोनों उसको मार देते थे, समझ गए ना। बरसात बीत गई थी, आकाश दर्पण की तरह स्वच्छ दिखलाई देता था। मैंने बहादुर की माँ के पास चिट्ठी लिखी थी कि उसका लड़का मेरे पास मजे में है, समझ गए ना, और उनकी तनख्वाह पैसे उसके सब भिजवा दिया करूंगा। लेकिन कई महीने के बाद भी उधर से कोई जवाब नहीं आया था। यानी कि लेखक कह रहा है ना कि हमने बहादुर की माँ के पास चिट्ठी लिखा था कि आपका लड़का हमारे पास में है और हम उसको अच्छे तरीके से रख रहे हैं, लेकिन उसके माँ की तरफ से उधर से कोई जवाब नहीं आया। मैंने बहादुर से कह दिया था कि उसका उसका पैसा यहाँ जमा रहेगा, जब वह घर जाएगा तो लेता जाएगा। लेखक कह रहे हैं कि हमने बहादुर को पैसे उसे नहीं देते थे, हम उसको बोल दिए थे कि तुम्हारा पैसा हमारे पास जमा रहेगा, जब तुम घर जाओगे ना तुमको हम पूरा पैसा दे देंगे, समझ गए ना, हाँ समझ गए, तो ये बात ध्यान रखिएगा। पर जब बहादुर से भूल गलतियां अधिक होने लग गई थी, शायद इसका कारण मारपीट और गाली गलौज हो, मैं कभी कभी इसको रोकर इसको रोकना चाहता, फिर यह सोच समझ करके चुप लग जाता था कि नौकर चाकर तो मारपीट खाते ही रहते हैं। मतलब धीरे धीरे अब जो लेखक है ना अमरकांत, उनका भी मन बदल गया था, अब उनको भी लगने लग गया था कि नौकर चाकर तो है ना, मार तो खाते रहता है, इसको अब क्या हम बोलें, समझ गए ना। एक दिन रविवार को मेरी पत्नी के एक रिश्तेदार आए थे, असली कहानी यहाँ से शुरू होता है। लेखक की पत्नी के रिश्तेदार आए थे, वह बीवी बच्चों के साथ आए थे, वह अपने किसी खास संबंधी के यहाँ आए थे, तो मेरे यहाँ भी भेंट मुलाकात करने के लिए चले आए थे। घर में बड़ी चहल पहल मच गई, मैं बाजार से रोहू मछली और देहरादूनी चावल लेकर के आया। नाश्ता पानी के बाद बातों की जलेबी छनने लगी, पर इसी समय एक घटना घट गई। यानी बोल रहे हैं कि हमारी पत्नी के एक रिश्तेदार एक दिन हमारे घर पर आए, बातचीत ऐसे ही हो रहा था और बातचीत करते 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 एक अचानक घटना घट गई। क्या घटना घट गई? अचानक उस रिश्तेदार की पत्नी नीचे फर्श पर झुक करके देखने लगी, फिर उन्होंने चरपाई के अंदर झांक कर देखा, अंत में कमरे के अंदर गई और फर्श पर पड़े हुए कागजों को उठा करके जांच पड़ताल करने लग गई। मतलब जो रिश्तेदार आई थी ना, वह तो मिठाई उठाई लेकर के नहीं आई थी, मिठाई उठाई लेकर के नहीं आई थी, तो सोची कि भाई मिठाई लेकर के नहीं आए हैं, अब कैसे क्या किया जाए अपना इज्जत बचाने के लिए। तो इज्जत बचाने के लिए वो सोची ना कि हम पैसा भुलाने का यहाँ पर ना नौटंकी कर देते हैं, और वह झूठ मूठ के ना नीचे इधर उधर देखने लगे कि हमारा पैसा भुला गया है, समझ गए। वो भाई इधर उधर क्या कर दी, देखना शुरू कर दी। तो लेखक पूछते हैं कि क्या बात है, तो रिश्तेदार की पत्नी जबरदस्ती मुस्कुरा करके मजबूरी में सिर हिलाते हुए बोली कि क्या बताएं, 11 रुपये साड़ी के खूंट से निकाल करके यही चरपाई पर रखे थे। वह बोली कि 11 रुपये, कितने रुपये,
11 रुपये अपनी साड़ी के खूंट से निकाल करके यही चरपाई पर रखे थे, पर वो मिल नहीं रहे हैं। आपको ठीक याद है ना? लेखक पूछते हैं, आपको ठीक से याद है ना यहीं पर रखे थे? लेखक पूछते हैं कि आपको ठीक से याद है ना यहीं पर रखे थे? तब वह बोलती है कि हाँ हाँ, खूब अच्छी तरीके से याद है, ये रुपये मैंने खूंटे से बांध करके यहीं पर रखे थे। रिक्शे वाले को देने के लिए खूंटे खोला ही था, फिर वे रुपये चरपाई पर रख दिए थे कि 4 रुपया की मिठाई मंगा लूंगी और कुछ बच्चों के हाथ पर रख दूंगी। देखिए कितना बड़ा नौटंकी कर रही है रिश्तेदार, कर रही है कि हम इसलिए पैसा रख लेते कि कुछ मिठाई भी मंगवा लेंगे और जाते समय कुछ बच्चा को हाथ पर पैसा दे भी देंगे। मतलब अब तो भुलाने का नौटंकी कर दी, तो अब तो पैसा उसको देना नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से ना नौटंकी हुआ। देख रहे हैं ना, पूरा जो नौटंकी होता है, रामायण हो गया औरत के लिए, महाभारत हो गया औरत के लिए, ये बहादुर चैप्टर छप गया औरत के लिए, समझ गए? तो बड़ा बड़ा जो लड़ाई का जड़ होता है ना, ऐसा कहा जाता है कि औरतों का कहा जाता है, समझ गए ना, बड़ा बड़ा लड़ाई का जड़ जो होता है वो महिलाओं को कहा जाता है कि महिलाएं ही लड़ाई लगवा देती है, समझ गए? अब देखिए बेचारा बहादुर के लिए कौन काल बन गई जी, वो महिला जो झूठी मूठी बोल दी कि भाई हमारा पैसा चोरी हो गया है, समझ गए? रास्ते में कोई ढंग की दुकान नहीं मिली थी, नहीं तो उधर से ही ले आती, किसी के यहाँ खाली हाथ जाने में अच्छा नहीं लगता है। कितना नौटंकी बतिया रही है, देखिए ना कि किसी के यहाँ खाली हाथ जाने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम सोचे थे ना कि कुछ पैसा ले ले जाएंगे, कुछ मिठाई ले ले जाएंगे, लेकिन नहीं, अच्छा दुकान मिला तो नहीं लाइए। बताइए अब तो मैं कहीं की ना रही, फिर मेरी ओर झुक करके धीमे स्वर में कहा था, जरा उससे पूछिए ना। वो रिश्तेदार क्या बोली कि जरा उस बच्चा से पूछिए ना, मतलब सीधे सीधे वो बच्चा के ऊपर इल्जाम लगा दी कि वो हमारा पैसा चोरी कर लिया है, समझ गए ना? ध्यान रखिएगा, वह इधर आया था, कुछ देर तक यहाँ खड़ा रहा, फिर तेजी से बाहर चला गया था। कितना झूठ बोल औरत बोल रही है कि वो बच्चा से पूछे ना, वो बच्चा यहाँ आया था, कुछ देर यहाँ खड़ा रहा और खड़ा रहकर तेजी से बाहर गया था। मतलब वो उसका इशारा ये था कि वही बच्चा पैसा हमारा चुरा लिया है, समझ गए? देखिए, अरे नहीं ऐसा नहीं है, मैंने कहा, लेखक कहते हैं कि ना ना ना, वो ऐसा लड़का नहीं है, वो लड़का बहुत बढ़िया है, समझ गए ना? यू डू नॉट नो, अब देखिएगा अंग्रेजी में, ठीक है ना? हाँ, तब रिश्तेदार अंग्रेजी में क्या बोलता है, जब लेखक बोले कि ना 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 ना, वो लड़का ऐसा नहीं है, तब रिश्तेदार अंग्रेजी में क्या बोलता है, अंग्रेजी झाड़ करके बोलता है, यू डू नॉट नो, आप नहीं जानते हैं, यू डू नॉट नो, दीज पीपुल आर एक्सपर्ट इन दिस आर्ट, These people are expert in this art. मतलब इस प्रकार के पीपुल ना इस कला में निपुण होते हैं, मतलब पैसा चुराने में ना निपुण होते हैं। You do not know. अंग्रेजी में झाड़ करके बोली एकदम, समझ गए? मैंने बहादुर की ओर तिरछी दृष्टि से देखा, वह सिर झुका करके आटा गूंथ रहा था। उसके चेहरे पर संतुष्टि एवं प्रफुल्लता थी। उसने ऐसा काम तो कभी नहीं किया, बल्कि जब कभी उसने 2-4 आने इधर उधर पड़े देखे तो उठा करके निर्मला के हाथों में दे दिए थे। बहादुर के बारे में लेखक लिखते हैं कि बहादुर एक ऐसा लड़का था जो कभी पैसा नहीं चुराता था। अगर कहीं पर उसको एक आध आना गिरा हुआ भी मिल जाए ना, तो वो पैसा ला करके निर्मला के हाथ पर देता था कि माताजी लीजिए, ये पैसा वहां पर गिरा हुआ था। वो कभी 1 रुपया को हाथ तक नहीं लगाया था, पर किसी के दिल की बात कोई कैसे जान सकता है? ना मालूम अचानक मुझे क्या हो गया और मैं गुस्से में आ गया। लेखक कहते हैं कि हो सकता है कि वो चुराया होगा भाई, अचानक हम भी गुस्से में आ गए, समझ गए ना? और बहादुर को बड़े हार्ड स्वर में बोले, बहुत रूखे अंदाज में बोले, बहादुर। तो बहादुर बोलता है कि जी बाबूजी। तो हम तो लेखक बोलते हैं कि इधर आओ। तो बहादुर आकर के खड़ा हो गया। तो लेखक पूछते हैं कि तुमने यहां से रुपये उठाए थे? तो बहादुर बोलता है कि जी नहीं बाबूजी। उसने निर्भय एकदम उत्तर दिया, एकदम निडर अंदाज में उत्तर दिया, जी नहीं बाबूजी, हमने पैसे नहीं लिए हैं, समझ गए ना? तो लेखक पूछते हैं कि ठीक बताओ, मैं बुरा नहीं मानूंगा। तो वो कहता है कि नहीं बाबूजी, मैं लेता तो बता देता। बहादुर कहता है कि नहीं बाबूजी, अगर हम लेते तो बता देते, हम पैसा नहीं लिए हैं, समझ गए ना? तो फिर कहते हैं कि तुम यहाँ खड़े नहीं थे, हैं? रिश्तेदार की पत्नी ने कहा कि तुम यहाँ पर आकर के खड़ा नहीं था, ठीक है? फिर तेजी से बाहर चले गए। देखो भैया, सच सच बता दो, मिठाई खरीदने और बच्चों को पैसे देने के लिए रुपया रखे थे? मैं तो बुरी फंस गई। वो महिला ना बार बार मिठाई 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 जप रही थी, ये लेखक को सुनाना चाह रही थी कि भाई हम मिठाई लेकर के नहीं आए हैं, क्योंकि हमारा पैसा ही तो चुरा लिया ना, अब जाते समय भी कैसे मिठाई देंगे, समझ गए? अब वापस जाने के लिए रिक्शे के भी पैसे नहीं है। मैं तो बाहर नमक लेने गया था। सच सच बता दो बहादुर, अगर नहीं बताएगा तो बहुत पीटूंगा और पुलिस के सुपुर्द भी कर दूंगा, मैं चिल्ला पड़ा।
लेखक भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए अमरकांत जी, और लेखक भी बहुत ज्यादा गुस्से में आकर के बोल दिए बहुत कुछ कि सच सच बता दो, नहीं तो हम तुमको क्या करेंगे, पुलिस के हवाले कर देंगे। ठीक है, फिर भी वह एकदम अपनी बातों पर अड़ा रहा, बहादुर जो था फिर भी अपनी बातों पर अड़ा रहा और कहा कि मैंने नहीं लिया है बाबूजी। बाबू बहादुर का मुंह एकदम काला पड़ गया था, मतलब उस पर जो झूठा इल्जाम लगा ना, उसका मुंह एकदम काला पड़ गया। वह बोला कि मैंने नहीं लिया है बाबूजी, समझ गए ना, पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैंने सहसा उछल करके उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। लेखक कहते हैं कि मैंने एकदम उछला और उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। मैं आशा कर रहा था कि ऐसा करने से वह बता देगा, तमाचा खाकर वह गिरते गिरते बचा। मतलब इतना जोर से तमाचा मारे ना लेखक कि वह बेचारा गिरते गिरते बचा, बहुत जोर से तमाचा मारे। ठीक है, उसकी आंखों से आंसू गिरने लग गए। मैंने नहीं लिया है बाबूजी, फिर भी वह यही बात बोल रहा था कि मैंने नहीं लिया है। कितना वो बेचारा नरम दिल का लड़का था, उस पर इतना ज्यादा अत्याचार हो रहा था, समझ गए ना, इतना ज्यादा अत्याचार हो रहा था प्यारे बच्चों कि क्या बताया जाए। जब भी मैं ये कहानी पढ़ता हूँ ना, बड़ा ज्यादा हमें लगता है कि भाई माँ बाप का इस दुनिया में होना ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। माँ बाप के बिना बच्चा क्या हो जाता है, आप लोग इधर देख रहे हैं। उसी समय रिश्तेदार साहब ने एक अजीब हरकत की, अच्छा छोड़िए उसको पुलिस के पास ले जाता हूँ। इतना कह करके उन्होंने बहादुर का हाथ पकड़ लिया और उसको दरवाजे की ओर घसीट कर ले गए। लेखक का भी उस दिन बड़ा मतलब प्रताप बूढ़ा हो गया था, समझ गए ना, वो उसको घसीटते हुए दरवाजे की ओर ले गए कि चलिए इसको लेकर चलते हैं पुलिस के पास। पर दरवाजे के पास उससे धीरे से बोले, देखो तुम मुझे बता दो, कुछ नहीं करूंगा बल्कि तुमको इनाम में 2 रुपया दे दूंगा। उस समय भी जब वो घसीटते हुए ले जा रहे थे तो उस समय भी बोले कि देखो अगर पैसा लिया है तो बता दो, तुमको हम 2 रुपया दे देंगे उसमें से। पर बहादुर ने इनकार कर दिया। उसके बाद रिश्तेदार साहब 2-3 बार उसको दरवाजे की ओर और खींच कर ले गए, जैसे पुलिस को देने की जा रहे थे, लेकिन आगे बढ़कर के ऊपर रुक जाते और उससे धीमे धीमे शब्दों में पूछताछ करने लगते। मतलब उसको डरा करके खींचते ले जा रहे थे कि चलो चलो तुमको पुलिस को दे देते हैं, तुमको पुलिस से पिटवाएंगे, ही करेंगे वो करेंगे, बहुत तरह का बात वो करने लग गए थे रिश्तेदार, समझ गए ना। अंत में हार गए, जब उनको लगा कि ये नहीं कुछ बोलेगा तो अंत में हार गए और उसको छोड़ दिया। और वापस आकर के चरपाई पर बैठते हुए हंस करके बोले, जाने दीजिए ये सब बड़े घाघ होते हैं, किसी झाड़ी बाड़ी में छिपा दिया होगा या जमीन में गाड़ दिया होगा, मैं तो इन सबों को खूब जानता हूँ, भालू बंदर से कम थोड़े होते हैं ये, चलिए इतना नुकसान लिखा हुआ था। मतलब जब सब कुछ हो गया ना तो लेखक का जो रिश्तेदार था वो आकर के हंस करके, चलिए छोड़ने दीजिए ये सब लड़का इसलिए होता है, मतलब गुस्सा है तो इतना आ रहा था ना, हम सचमुच बता रहे हैं इतना गुस्सा उस लेडीज पर आ रहा है कि उसको फट्ठा से बांध करके मारते अगर हम सामने रहते तो। छोटा बच्चा पर इतना अत्याचार होता है यार, छोटा बच्चा को हम भी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इतना छोटा बच्चा पर अत्याचार नहीं होता है, समझ गए ना, वो इतना ज्यादा अत्याचार कर रही थी। प्यारे बच्चों जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं ना तो लगता है कि हमारी आंखों के सामने वो घटना घट रहा है, दिल एकदम पिघल जाता है, सचमुच बता रहे हैं। ठीक है ना, इसके बाद निर्मला ने भी उसको डराया धमकाया और 2-4 तमाचे जड़ दिए, पर वह नहीं नहीं करता रहा, मतलब लास्ट तक भी वह नहीं नहीं करता रहा। इस घटना के बाद बहादुर काफी ज्यादा डांट मार खाने लग गया था। जब यह घटना घटा तो उसके बाद बहादुर को लोग बहुत ज्यादा मारने लग गए थे, गरियाने लग गए थे, घर के सभी लोग उसको कुत्ते की तरह दुर्दुराया करते थे। लेखक खुद लिख रहे हैं कि हमारे घर के लोग ना बहादुर को कुत्ते की तरह दुर्दुराया करते थे, समझ गए, किशोर तो जैसे उसकी जान के पीछे पड़ गया था, वह उदास रहने लगा और काम में लापरवाही करने लगा। अब बेचारा बहादुर उतना खुश नहीं रह पाता था जितना पहले खुश रहता था, वह एकदम उदास रहने लगा और उदास रह करके बेचारा एकदम उदास, मतलब कि वो अच्छे से काम भी नहीं कर पाता था। एक दिन मैं दफ्तर से विलंब से आया, निर्मला आंगन में चुपचाप सिर पर हाथ रख करके बैठी हुई थी, अन्य लड़कों का पता नहीं था, केवल लड़की अपनी माँ के पास खड़ी थी, अंगीठी अभी नहीं जली थी, आंगन गंदा पड़ा था, बर्तन बिना मले हुए रखे थे, सारा घर जैसे काट रहा था। लेखक कहते हैं कि जब एक दिन हम अपने ऑफिस से शाम को घर आए तो देखे कि सब का मुंह लटका हुआ है, सब लोग ऐसे लटका करके मुंह बैठल है, बर्तन देखे कि उधर गंदा पड़ा है, घर देखे कि गंदा पड़ा है, मतलब घर में अभी तक आग नहीं जला था तो सब लोग ऐसे ही बैठे हुए थे। लेखक कहते हैं कि जब हम ऑफिस से आए तो हम पूछे कि क्या बात है, मैंने पूछा तो सब लोग कहते हैं कि बहादुर भाग गया। क्या हुआ, बहादुर भाग गया, बहादुर भाग गया, समझ गए ना। अच्छा आप हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखा गया है कि बहादुर भाग गया, क्या बहादुर भाग करके सही किया कि गलत किया, आप बताइए जरा, आप बताइए कि बहादुर भाग करके सही किया कि गलत किया। आप कहेंगे कि सर बिल्कुल सही किया, हमें भी लगता है कि बहादुर भाग करके ना बिल्कुल सही किया, उसको भाग ही जाना चाहिए था,
समझ गया ना, अगर हम भी रहते तो इतना दिन टिकते भी नहीं, वो तो कम से कम इतना दिन टिक गया ना, वो इतना दिन टिकते भी नहीं, समझ गए। भाग गया पता नहीं, आज तो कुछ हुआ भी नहीं था, सवेरे से ही बड़ा प्रसन्न था, हमेशा माता जी किए रहा, दोपहर में खाना खाया, उसके बाद आंगन में सिलबट्टा लेकर के बरामदे में रखने जा रहा था कि सील हाथ से छूट करके गिर गई और दो टुकड़े हो गए। शायद इसी डर से वह भाग गया कि लोग मारेंगे, पर मैं इसके लिए उसको थोड़े ना कुछ कहती। अब देखिये जब बहादुर चला गया तो निर्मला कितना मीठा मीठा बात कर रही है, कह रही है कि सिलबट्टा टूट गया था, हम उसको थोड़े ना मारते, वो कहे भाग गया था, हम उसको मारते, क्या बताऊं, मेरी किस्मत में आराम ही नहीं लिखा है। अब समझ में आ रहा है निर्मला को, अब समझ में निर्मला को आ रहा है कि हमारी किस्मत में आराम ही नहीं लिखा गया है। जब उसको डांटती थी गलियाती थी तो बड़ा अच्छा लगता था, है यही तो अफसोस है, कोई भी सामान नहीं ले गया है। लेखक जब पूछे कि उसका सामान, तो निर्मला कहती है कि यही तो अफसोस है कि वो अपना सामान तक नहीं ले गया है। मतलब बेचारा जो सामान से, जिस सामान के साथ वो खेलता था ना, वो प्यारे बच्चों सामान भी नहीं ले गया था, वो सामान भी छोड़ दिया था, उसके कपड़े, उसका बिस्तर, उसके जूते, सब कुछ छोड़ दिया था। पता नहीं उसने अपने, उसने हमें क्या समझा, अगर वह कहता तो मैं उसे रोकती थोड़े ना, बल्कि उसको खूब अच्छी तरह से पन्हा ओढ़ा करके भेजती, हाथ में उसकी तनख्वाह दे देती। निर्मला को अब समझ में आ रहा है, निर्मला अब बोल रही है कि हमको बोलता कि घर जाना है तो हम उसको बढ़िया से कपड़ा पहनहा ओढ़ा करके भेजते, लगता है बोल रही है, ये लगता है कि सही है, है? अब जाने के बाद बड़ा मीठा मीठा बात कर रही है ये निर्मला। चलिए क्या हुआ जी, दो चार रुपया और अधिक दे देती, पर वह तो कुछ नहीं ले गया, और वो 11 रुपये, अरे वो सब झूठ है, समझ गए ना। अब देखिए, अब समझ में आया ना, अब जरा देखिए प्यारे बच्चों, अब क्या लिखा गया है जरा देखिए। अब देखिएगा जरा क्या लिखा गया, जब लेखक पूछते हैं कि वो 11 रुपये जो चोरी हुआ था, समझ गया ना, तब निर्मला क्या बोलती है कि वो सब झूठ है, मैं तो पहले से जानती थी कि वे लोग बच्चों को कुछ देना नहीं चाहते हैं, इसलिए अपनी गलती और लाज छिपाने के लिए यह प्रपंच रच रहे हैं। अब कहती है लेखक की पत्नी, अरे वो 11 रुपया भुलाया था, वो सब छल प्रपंच रचा था ना, बच्चों को कुछ नहीं देना चाहता था मिठाई बिठाई, तो अपना छल कपट कर दिया। उन लोगों को क्या मैं जानती नहीं हूं, कभी उनके रुपये रास्ते में गुम हो जाते हैं तो कभी वो गलती से घर पर ही छोड़ देते हैं, मेरे कलेजे में तो जैसे कुछ हौड़ रहा है। किशोर को भी बड़ा अफसोस है, उसने सारा शहर छान मारा पर बहादुर नहीं मिला। किशोर को भी अब अफसोस आ रहा है कि हम भी बहुत ज्यादा उसको मारते थे, गली आते थे, हमारे कारण भी भाग गया, समझ गए ना। किशोर को भी अब बहुत अफसोस आ रहा है पर बहादुर नहीं मिला। किशोर आकर के कहने लगा, अम्मा एक बार भी अगर बहादुर आ जाता तो मैं उसको पकड़ लेता और कभी जाने नहीं देता, उससे माफी मांग लेता और कभी नहीं मारता, सच अब ऐसा नौकर कभी नहीं मिलेगा। अब किशोर को अफसोस आ रहा है, लेखक के बेटा को अब अफसोस आ रहा है कि अगर एक बार बहादुर वापस आ जाए तो अब हम उसको नहीं मारेंगे, अब हम उसको नहीं गलियाएंगे, अब उसको एकदम बढ़िया से मानेंगे, हम आराम देंगे, समझ गए ना। अगर वह कुछ चुरा करके भी ले गया होता तो संतोष होता, मतलब वह अपना पूरा सामान छोड़ दिया था। अरे जो अपनी माँ को छोड़ने में मिनट का देरी नहीं किया, वो तुमको छोड़ने में देरी करेगा, बताइए ना। वो इतना स्वाभिमान लड़का अपनी माँ को छोड़ने में देरी नहीं किया, उसका हृदय जिससे एक बार फट जाता था दोबारा उसकी तरफ झांकता नहीं था, माँ से हृदय फट गया, माँ की तरफ दोबारा नहीं झांका। और लेखक तुम्हारे घर में तो नौकर बनकर के रह रहा था, तुमसे अगर हृदय फट जाएगा तो तुम्हारे घर में रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा, समझ गए ना। जो अब लड़का अपनी माँ को छोड़ सकता है वो दुनिया में किसी को भी छोड़ सकता है, और बात कर रहा है ये लोग कि अब दोबारा आ जाता तो हम उसे नहीं कुछ करने देते, हैं? ऐसा कभी होता है जी। आगे कह रहा है कि निर्मला आंखों पर आंचल रख करके रोने लग गई। निर्मला अब उसको रोना आ रहा था, निर्मला आंखों में आंसू लेकर के ना रोने लग गई। मुझे बड़ा क्रोध आया, मैं चिल्लाना चाहता था पर भीतर ही भीतर कलेजा जैसे बैठ रहा हो। लेखक कह रहे हैं कि हम भी एकदम चिल्लाना चाहते थे, खूब लगता था कि रोए, लेकिन कलेजा अंदर से बैठ गया था। मैं वहीं चारपाई पर सिर झुका करके बैठ गया। अरे मुझे एक अजीब सी लघुता का अनुभव हो रहा था, यदि मैं ना मारता तो शायद वह नहीं जाता। लेखक कह रहे हैं कि यदि मैं नहीं मारता तो शायद लेखक नहीं जाता, सॉरी अगर हमें ना मारता तो शायद वह नहीं जाता, ये मन में विचार कर रहे हैं लेखक। मैंने आंगन में नजर दौड़ाई, वह और स्टूल पर उसका बिस्तर रखा हुआ था, अलगनी पर उसके कुछ कपड़े टंगे हुए थे, स्टूल के नीचे वह भूरा जूता पड़ा हुआ था जो मेरे साले साहब के लड़के का था। मैं उठ करके अलगनी के पास गया और उसके नेकर की जेब में हाथ डाला, उसके सामान निकलने लगा। मतलब जिस सामान को वो सामने निकाल करके खेलता था ना, वो सामान भी प्यारे बच्चों वो नहीं ले गया था, सोचिए।
वो सामान भी नहीं लेकर के गया था, जिस सामान को लेकर के वो खेलता था, वही पुरानी गोलियां, वही पुरानी ताश की गड्डी, वही खूबसूरत सा पत्थर, वही ब्लेड, वही कागज की नाव, सब वहीं पड़ा रह गया और बेचारा बहादुर उस घर को छोड़ करके चला गया था। समझ गए ना, सब कुछ वहीं पर पड़ा रह गया था और बहादुर उस घर को छोड़ करके चला गया था। और इतना कहानी बढ़िया था बहादुर का, आंख में आंसू आ गए प्यारे बच्चों इस बहादुर कहानी को पढ़ करके। बहुत मार्मिक कहानी है, बहुत ज्यादा मार्मिक कहानी है, रस निकलता है इस कहानी से, अगर इस कहानी को पढ़ा जाए अच्छे से तो। समझ गए ना, लोग तो ऐसे ही मजे लेने के लिए पढ़ लेते हैं ना, लेकिन इस कहानी में क्या छिपा हुआ है वो आपको अभी समझ में आया होगा। तो बताइए प्यारे बच्चों, ये कहानी आपको कैसा लगा? हम भी बड़े ज्यादा इमोशन हो गए भाई, इमोशन इमोशन में पढ़ा रहे थे ये पूरा चैप्टर, हमारे भी आंख में आंसू आ रहे थे। जल्दी से बता दीजिए भाई, ये क्लास प्यारे बच्चों आप लोगों को कैसा लगा, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बताइए कहानी आपको कैसा लगा प्यारे बच्चों। बहुत ज्यादा समय भी हो चुका है, लगभग 1.25 घंटा का क्लास चला, पता भी नहीं चला 1.25 घंटा का क्लास चला। और हम एक बात तो देख रहे थे कि जितने बच्चे शुरू में थे लास्ट तक उतने ही बच्चे जुड़े हुए थे, यानी कि कहानी में आपको भी ज्यादा मजा आ रहा था, यानी कि कहानी में आपको भी मजा आ रहा था, फील आ रहा था प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अच्छा ये बात बताइए, आप लोग कहानी को पढ़े कि समझे कि फील किए, जरा एक बार बताइए तो, क्या आप लोग कहानी को यहाँ पर पढ़ रहे थे कि फील कर रहे थे? हम तो भाई फील कर रहे थे, समझ गए ना, हम तो फील कर रहे थे। बताइए जरा एक बार, कहानी को पढ़ रहे थे कि समझ रहे थे कि फील कर रहे थे? तो प्यारे बच्चों कहानी किस तरीके से पढ़ा जाए, कहानी किस तरीके से पढ़ाया जाए कि सामने वाला लड़का भी फील कर ले, ये प्यारे बच्चों आज आप लोगों ने देखा। इस तरीके से आप लोग इस कहानी को कभी नहीं पढ़े होंगे, ये हमें पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, इस तरीके से आप लोग इस कहानी को नहीं पढ़े होंगे कभी, ये हमें पूरा भरोसा है, और आज आप लोगों ने पढ़ा, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए प्यारे बच्चों, आज का क्लास बहुत ज्यादा लंबा गया, लगभग 2 घंटे का क्लास हो गया, तो आज के इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे। और सारे बच्चे लिख रहे हैं कि सर हम फील कर रहे थे, तो बहादुर के लिए बड़ा प्यार है हमारे दिल में, इस तरीके का लड़का ना बड़ा स्वाभिमानी होता है, समझ गए, और जो बड़ा स्वाभिमानी होता है ना, दुनिया पलट जाएगा लेकिन वो दोबारा आपके तरफ ताक करके नहीं देखेगा, समझ गए। तो चलिए प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे। अब 10 मिनट के बाद ही क्लास शुरू होने वाला है एप्लीकेशन पर, 10 मिनट के बाद ही एप्लीकेशन पर क्लास शुरू होने वाला है, तो आ जाइए एप्लीकेशन पर, 10 मिनट हम भी रेस्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, 10 मिनट हम भी रेस्ट कर लेते हैं। या फिर प्यारे बच्चों अगर आज का क्लास 9 बजकर, आज ऐसा करते हैं ना, 9:10 से आज का क्लास रख देते हैं, 9:10 से। देखिए लेखक यही है अमरकांत, इन्हीं की पत्नी का नाम था निर्मला, और ये भी बीच में बेचारे भगत गए थे, ये भी बीच में बहादुर को बहुत ज्यादा मारना शुरू कर दिए थे, यही है लेखक कौन, अमरकांत जी, समझ गए ना, इन्हीं के पत्नी का नाम था निर्मला, समझ गए, इन्हीं के पत्नी का नाम था निर्मला, समझ गए ना, इनका बड़ा बेटा था जिसका नाम क्या था, आपको बताया ना, बड़ा बेटा का नाम क्या था, परीक्षा में पूछा जाता है, बड़ा बेटा का नाम क्या था, अरे भाई आपके परीक्षा में पूछा जाएगा कि बताइए बड़ा बेटा का नाम क्या था, तो इतना हम सब जगह पर बताए ना कि बड़ा बेटा का नाम था किशोर, क्या नाम था किशोर, समझ गए। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों ये कहानी आपका समाप्त हो जाता है, और बहुत अच्छे तरीके से प्यारे बच्चों आप लोग पढ़े, इसी तरीके से मन लगा करके पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सेल्फ स्टडी करते रहिए, समझ गए ना, उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों, तब ना जानते हैं, समझ गए, इतने बढ़िया तरीके से प्यारे बच्चों हम आपको पढ़ाते हैं, तब ना देखते हैं कि लोग देख करके जलते हैं, टारगेट बोर्ड इतना आगे कैसे जा रहा है, अरे टारगेट बोर्ड आगे क्यों नहीं जाएगा भाई, टारगेट बोर्ड के बच्चों का प्यार है, इमोशन है, फीलिंग करते हैं लोग, समझ गए ना, हैं, समझ गए। तो प्यारे बच्चों आप लोग इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप लोग इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में एप्लीकेशन पर, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।